वेलकम टू द क्लास। आज हमारा फर्स्ट सेशन है ज्योमेट्री की। हम लोग एक नई सीरीज शुरू कर रहे हैं जिसका आज हमारा पहला लेसन है। ठीक है, तो एक बार सभी लोग आ जाओ जल्दी से, फिर क्वेश्चंस करने शुरू करते हैं। सलोनी, हिमांशु, गुड्डू, मनीषा, मुस्कान, पलक, अंकित, आशीष, आकाश, रूपेश, प्रतीक, चिराग, शिवांग, आनंद। सर कितनी सीरीज होंगी? मुस्कान, जब तक हम थक नहीं जाएंगे क्वेश्चंस करते करते, ठीक है, जब तक तुम लोग ये नहीं कह दोगे हाँ सर हो गया है, तुम लोगों को ज्योमेट्री में फील नहीं आ जाएगी, तब तक हम लोग ज्योमेट्री के क्वेश्चंस करते रहेंगे। क्योंकि ज्योमेट्री एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है हमारे सिलेबस का ना, तो हम लोग इसको एक अच्छी तरह से करेंगे ताकि इससे रिलेटेड चीजें बिल्कुल भी स्किप ना हम लोगों से। ठीक है, तो अराउंड अगर मैं देखूँ ज्योमेट्री से ही रिलेटेड होता है मेंसुरेशन, जो पूरा मेंसुरेशन का कॉन्सेप्ट है, पूरा ट्रिग्नोमेट्री का थोड़ा कॉन्सेप्ट है, ये सारी चीजें बिल्कुल एक ही यूनिट में आ रही होती हैं। ठीक है, तो ये इनका बेसिक है। अगर जिसका ज्योमेट्री वीक हो गया तो सिंपल सी बात है, उसको मेंसुरेशन में भी दिक्कत होगी, फिर उसको ट्रिग्नोमेट्री में भी दिक्कत होगी, तो इसलिए ये बहुत ज्यादा जरूरी है करना। ठीक है, पूजा, पंडित, प्रति, ठीक है, तो इसलिए इसके ज्यादा क्वेश्चन कराए जाते हैं। ठीक है, तो कुछ कोशिश करेंगे समझने की। ठीक है, जिन लोगों ने बेसिक्स पढ़े हुए बहुत अच्छी बात है, 170 से आगे बढ़ूं या 200 से मोक वाले भी। आकाश, वो मोक वाले क्वेश्चंस में ज्यादा इसमें कराऊंगा क्योंकि बच्चों के डाउट थे, तो मैंने कोशिश करूंगा वाले क्वेश्चंस कराने की ताकि आप लोगों के डाउट भी क्लियर हो जाए, क्योंकि मॉक में तो मैं नहीं था ना, और मेरी अप्रोच ही पता लग जाए आप लोगों की, अगर मैं एग्जाम में होता तो मैं कैसे कर रहा होता इस क्वेश्चन को। ठीक है, तो वहीं से आगे बढ़ जाना, बाकी देखते हैं कब तक चलता है सिलसिला हमारा। ठीक है, गरिमा, सोनिका, उदित, आज बेसिक भी होंगे, चिराग बेसिक्स तो नहीं होंगे, हाँ बस बेसिक वाले क्वेश्चंस होंगे, उनमें कुछ कॉन्सेप्ट यूज होंगे, आप लोगों को आने चाहिए। ठीक है, चलो देखते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मुझे उम्मीद है आप लोगों को आती होंगी चीजें, आती होंगी, अगर आप लोगों ने क्लास 10 तक चीजें पढ़ी है आप लोगों को बहुत सारी चीजें आती होंगी। ठीक है, तो ये हमारा सीरीज का नाम है अनलॉक ज्योमेट्री। ठीक है सर, केवल क्वेश्चंस होंगे या थ्योरी भी? गौरव क्वेश्चंस होंगे, बट वो बेसिक क्वेश्चंस हैं, आप लोगों ने अगर थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है तो आप लोगों को आनी चाहिए चीजें। ठीक है, तो हमारी इस सीरीज का नाम है अनलॉक ज्योमेट्री और इसका आज पार्ट वन है। ये पार्ट मेरे द्वारा बनाया जा रहा है, मेरा नाम है उदित। ठीक है, एंड यू गाइस कैन यूज माय रेफरल कोड UDITSN5 फॉर 10% डिस्काउंट ऑन अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन प्लान्स। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा हमारा, ये मैंने फर्स्ट क्वेश्चन पहले से लिख के रखा हुआ है आप लोगों के लिए, आप लोग एक बार समझने की कोशिश करें चीजों को, कैसे पूरा फ्रेम होती है चीजें। ठीक है, तो इसमें मुझसे बोध दिया जा रहा है PQRSTU, एक फिगर है इसमें दिया रखा है। ठीक है, अब मुझे दिया हुआ है एंगल PQR, QRS, एंगल PQR और एंगल QRS, ये दोनों एंगल 90 डिग्री है। PQ मुझे 15 दिया हुआ है जो कि दिखाई भी देता है, और RS मुझे कितना दिया हुआ है, 9 दिया हुआ है। फाइंड द वैल्यू ऑफ TU, मुझे TU का वैल्यू बताना है, T पॉइंट एरा और U पॉइंट एरा। ठीक है, तो देखो जरा सबसे पहली बात समझने की कोशिश करो, अगर आपके सामने कभी भी एग्जाम में ऐसी फिगर आ रही है जिसमें दो परपेंडिकुलर खड़े हुए हैं और पहले परपेंडिकुलर के टॉप से दूसरे परपेंडिकुलर का बॉटम मिलाया जा रहा है, सिमिलरली दूसरे वाले परपेंडिकुलर या पोल भी, पोल वर्ड भी यूज कर सकता है वो कभी कभी, दूसरे पोल के टॉप से पहले वाले का बॉटम मिलाया जा रहा है, तो जहां पे दोनों मिलते हैं अगर मैं वहां से भी नीचे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूं तो उस परपेंडिकुलर का लेंथ कितना होगा। क्वेश्चन की लैंग्वेज बदलती रहेगी, तो आप लोग डरना मत। पोल वन बोलता है दो पोल है, दोनों पोल के, एक पोल के टॉप से दूसरे पोल का बॉटम मिला गया, तो जहां पे वो मिलते हैं वहां से एक और परपेंडिकुलर मिला गया, उस परपेंडिकुलर की लेंथ कितनी होगी, तो जरा लिख लेना। इस परपेंडिकुलर की जो लेंथ होती है वो होती है इन दोनों का प्रोडक्ट, यानी कि 15 × 9 अपॉन देयर सम। देयर सम कितना हो जाएगा, 15 + 9, ये आ गई हमारी TU की लेंथ, ये आ गई हमारी TU की लेंथ, और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। अगर बात सिंपलीफाई करने वाली है तो मैं सिंपलीफाई भी कर देता हूँ, 15 × 9 बाई कितना आ जाएगा, 24, इसको 3 से रिड्यूस करोगे तो आ जाएगा 3, आ जाएगा 8, 45 by 8 इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन। अगर ये इसने सेंटीमीटर में दिए है तो मैं भी इस क्वेश्चन को सेंटीमीटर में अपना आंसर टिक करके आगे बढ़ूंगा। ठीक है सर, लेट हो गई, कोई इशू नहीं है। ठीक है, समझ में आती है चीजें, समझ में आती है, मैंने आप लोगों को थोड़ा एक झलक दिखाने की कोशिश करी है ज्योमेट्री की यहाँ पे। ठीक है, आगे बढ़े सर,
सब बेसिक, यार बेसिक तो नहीं है बट हाँ ये सारे कॉन्सेप्ट है, सिमिलैरिटी का कॉन्सेप्ट है। कुछ लोग पूछते हैं सर आपको कैसे सपना आ जाता है कि इसका ये रिजल्ट कहाँ से आया, तो मैं उन लोगों को बताना चाहता हूँ आप लोग जरा इस वाले ट्राइंगल को देखो, इस वाले ट्राइंगल को देखो और इस पूरे ट्राइंगल को देखो, ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर होंगे, ये छोटू वाला ट्राइंगल ये इस बड़े ट्राइंगल के सिमिलर होगा, ठीक है। सिमिलरली इधर से छोटे वाला ट्राइंगल इस बड़े ट्राइंगल के सिमिलर होगा। सिमिलैरिटी का यूज करके मैंने ये रिजल्ट निकाला है, ठीक है, सिमिलैरिटी का यूज करके मैंने रिजल्ट निकाला है, ठीक है। तो आप लोग इसको लिख लेना अपनी कॉपी में, ठीक है। लता अगर आपने ज्योमेट्री के बेसिक्स पहले नहीं पढ़े हैं तो फिर थोड़ी दिक्कत होगी शायद आपको, ठीक है। थोड़े बहुत अगर बेसिक्स आते हैं तो आप लोग आराम से टैकल कर लोगे। टेंथ की एनसीईआरटी निकालना पड़ेगा ये अगर कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन भी कर लोगे ना तो ज्योमेट्री हद तक पूरा हो जाएगा, ज्योमेट्री हद तक पूरा हो जाएगा। हाँ वेदांत, एंगल एंगल सिंगुलैरिटी क्राइटेरिया से, एंगल एंगल सिंगुलैरिटी क्राइटेरिया से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जरा, अरे आगे बढ़े वेदांत, आगे बढ़े आगे बढ़े। किसी को इसमें कोई डाउट है? किसी को इसमें कोई डाउट है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एक क्वेश्चन ये भी है जरा इसको ट्राई करना आप लोग, एक क्वेश्चन ये भी है जरा इसको ट्राई करो जल्दी से, एक क्वेश्चन ये भी है जल्दी से इस क्वेश्चन को ट्राई करो। आप लोगों के पास 30 सेकंड का टाइम है, जल्दी से ट्राई करो इस क्वेश्चन को, फिर मैं इसके ऑप्शन आप लोगों को दे देता हूँ, फिर मैं ऑप्शन आप लोगों को दे देता हूँ इस क्वेश्चन के। डी मुस्कान कह रही है डी, अरे ऑप्शन डी कहाँ है भाई मुस्कान, क्या हो गया तुम्हें? रितेश पलंग क्या 70 टन बोली है, अच्छा गौरव यार में समझ ही नहीं पाता है चीजें, पता नहीं बच्चे क्या बोलते हैं, ठीक है। चलो देखो जरा इस क्वेश्चन को, कितना इजी क्वेश्चन है ये, फिर जरा अब सब बच्चे जुड़ चुके हैं तो मैं अच्छे क्वेश्चन शुरू कर दूंगा इसके बाद। एक ट्राइंगल है, ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, आइसोसेलेस ट्राइंगल के बारे में हम लोगों को बचपन से पता है, आइसोसेलेस ट्राइंगल एक ऐसा ट्राइंगल होता है जिसकी दो साइड्स बराबर होती हैं, बट मुझे क्वेश्चन में ये नहीं बोला गया कौन सी दो साइड्स बराबर है, ठीक है। देखो पूरी चीजें सोचा करो, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है क्या नहीं दिया हुआ है। एबीसीडी वो एबीसी एक ट्राइंगल है जो कि एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, बट मुझे ये नहीं पता इसकी कौन सी दो साइड्स बराबर है, ठीक है। द एक्सटर्नल एंगल एट सी मेजर्स 110 डिग्री, जो एक्सटर्नल एंगल है सी पर वो कितना है 110 डिग्री का, ये वाला एंगल 110 डिग्री का है, सी पर जो एक्सटर्नल एंगल बनता है, तभी तो मैंने इस साइड पे एक्सटर्नल एंगल बना दिया था, इसको पहले ही एक्सटेंड कर दिया था ताकि एक्सटर्नल एंगल जैसा मुझे दिखाई दे यहाँ पे। फाइंड द लार्जेस्ट एंगल ऑफ द ट्राइंगल, इस ट्राइंगल का सबसे बड़ा एंगल कौन सा होगा मुझसे पूछा जा रहा है। सबसे पहली बात मैं आप लोगों को बहुत सारी चीजें समझाना चाहता हूँ इस क्वेश्चन से, क्वेश्चन इजी था, राघव समझने की कोशिश करना। देखो पहली पॉसिबिलिटी इसमें यहाँ पे केसेस बनेंगे, अगर आप थोड़ा ध्यान दोगे, जिस बच्चे ने बहुत ध्यान से पढ़ी है चीजें, इसमें केसेस बनेंगे, इफ ए बी इज इक्वल्स टू ए सी, अगर ए बी ए सी के बराबर है, पहली कंडीशन मेरी ये है, ठीक है, क्योंकि ये वैल्यूज बदलेंगी कल को, आप लोग समझने की कोशिश करो मैं आपको समझाना क्या चाहता हूँ यहाँ से। अगर ए बी ए सी के बराबर है तो आपको पता है ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर होगा, और अगर ये 110 है तो ये 70 होगा, ये भी कितना हो जाएगा 70। पॉइंट समझने की कोशिश करो मेरी जरा, ठीक है, मैं कुछ बातें सिखाना चाहता हूं यहां से। केस नंबर 2 हमारा क्या है, इफ AC, आंसर सबसे सेम आएगा, आंसर आप बहुत जल्दी निकाल सकते हो, बट चीजें समझने की कोशिश करो कि यहां पे और भी क्या सोच सकते थे हम, क्योंकि सिचुएशन कल को थोड़ा अलग हो सकती है। इफ AC इज इक्वल्स टू BC, अगर AC और BC, अगर AC और BC आपस में बराबर है, AC और BC आपस में बराबर है तो एंगल अपोजिट टू ए सी एंड एंगल अपोजिट टू बी सी, ये दोनों एंगल बराबर होंगे, ये दोनों एंगल बराबर होंगे। मुझे पता है अभी ये वाला एंगल तो 70 है तो फिक्स रहेगा हमेशा, क्योंकि 110 के बराबर में 70 होगा तभी लीनियर पेयर बनेगा, तो इन दोनों का सम कितना होना चाहिए 110, तो ये कितना आ जाएगा 55, ये भी कितना आ जाएगा 55। ये बातें समझ में आती है नहीं, ये बातें समझ में आती है नहीं, जल्दी से बताओ, ये बातें समझ में आती है, ठीक है, ठीक है। अब तीसरा केस ये भी तो हो सकता है इसमें, एक बार मैंने ए बी और ए सी को बराबर ले लिया, एक बार मैंने ए सी और बी सी को बराबर ले लिया, तीसरा केस ये भी तो हो सकता है ना, ए बी और बी सी आपस में बराबर हो, ए बी और बी सी आपस में बराबर हो, यानी कि ये वाली लेंथ इसके बराबर होगी, अगर ये वाली लेंथ इसके बराबर हो गई तो इसके सामने ये एंगल और इसके सामने ये एंगल, ये दोनों एंगल बराबर होंगे, ये दोनों एंगल बराबर होंगे या नहीं, जल्दी से बताओ, ये दोनों एंगल बराबर होंगे या नहीं, तो तब हमारा आंसर कितना आता, तब
आंसर तो सेम ही रहता, मैं भी इसमें क्वेश्चन में कुछ चेंज करूंगा, थोड़ा सा इसको अच्छा सा बनाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। अगर ये 70 है तो तब ये कितना आ जाता, तब ये 70 आ जाता। आप लोगों से ये भी पूछा जा सकता है, आप लोगों से ये पूछा सकता है, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एंगल BAC प्लस एंगल ACB। अगर मुझसे ये पूछा जाता तब मेरा आंसर कितना होता, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एंगल BAC प्लस ACB। BAC एंगल कहां पे है, ये रहा, और ACB एंगल कौन सा है, ये वाला एंगल, और ये वाला एंगल का मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा, ठीक है। अब शायद आप लोगों को इन चीजों का यूज करना होगा, समझ पा रहे हो इन चीजों का यूज कब होगा, समझ पा रहे हो ना इन चीजों का यूज कब होगा। देखो ये तो फिक्स है, एंगल ACB तो हमेशा कितना रहने वाला है, 70 रहने वाला है, इसमें कोई चेंजेस नहीं आने वाले, ठीक है। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल के बीच में हर बार रिलेशन निकालोगे, क्योंकि कभी ये वाला एंगल 55 आया था, ये 55 आया था, तो हो सकता है ऑप्शन में वो 70 प्लस 55 125 भी ऑप्शन में देके रखे। पॉइंट समझ पा रहे हो मैं क्या समझाना चाह रहा हूं यहां से, राघव प्लीज रिप्लाई, हर्ष समझ में आती है बात, रितिश समझ में आ रही है कॉन्सेप्ट में क्या समझाना चाह रहा हूं यहां से। तो ऐसे क्वेश्चन भी बनते हैं, ऐसे क्वेश्चन ही बनते हैं, ठीक है। तो ये दोनों क्वेश्चन एक साथ लिख लेना जरा, लार्जेस्ट एंगल ऑफ द ट्रायंगल तो तुमने मुझे 5 सेकंड में बताया, लेकिन शायद अगर मैं तुमसे ये पूछ लेता ना तो तुम में से आधे लोगों के आंसर गलत हो जाते, क्योंकि तुम शायद ये चीजें स्किप कर देते, जहां तक मुझे लग रहा है, क्योंकि बच्चे को आदत होती है आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो ABE और AC के बराबर हो सकता है। भाई ऐसा जरूरी नहीं है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो कोई सा भी पेयर वैलिड हो सकता है इसमें से, जब तक हमें कोई ये बनना हो। चलो वेरी गुड, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, या नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखना जरा क्या कह रहा है। PQR is a triangle in which 35 times the smallest angle is equal to the 26 times the largest angle. ये क्वेश्चन का आंसर बताना है आप लोगों को। ये क्वेश्चन का आंसर बताना है आप लोगों को। सभी लोग ट्राई करें इस क्वेश्चन को, सभी लोग ट्राई करें इस क्वेश्चन को। निखिल सैनी, निखिल अभी इस क्वेश्चन पे, सॉरी सर फॉर बीइंग लेट, नेट वाज नॉट वर्किंग। कोई ना शुभ, कोई नहीं, अभी दो क्वेश्चन ही हुए हैं। निखिल अभी इसको ट्राई करो क्वेश्चन को, जिन लोगों ने ए आंसर टिक किया है ना वो जरा लाइन बना के खड़े हो जाना, मुझे उनकी पिटाई करनी है, लाइन में खड़े होना, ठीक है, और 2 गज दूरी का ध्यान रखना, ठीक है, जो मन की बात में मोदी जी ने बात करी थी, 2 गज दूरी। जिन लोगों ने ऑप्शन ए टिक किया है, ठीक है, चलो देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर, टाइम अप होने वाला है। इजी क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन था, मुझे नहीं लगता इन क्वेश्चन में कोई कॉन्सेप्ट बताने की जरूरत है यार, मुझे नहीं लगता ना, ठीक है, इतना तो सबको आता है, ठीक है, इतना तो सबको आता होगा, ठीक है। देखो क्या कह रहा है, PQR इज अ ट्रायंगल इन विच 35 टाइम्स द स्मॉलेस्ट एंगल, लेट द स्मॉलेस्ट एंगल बी ए, मैंने मान लिया स्मॉलेस्ट एंगल कितना है, ए है, इज इक्वल टू द 26 टाइम्स द लार्जेस्ट एंगल, लेट द लार्जेस्ट एंगल इज बी, लार्जेस्ट एंगल मैंने कितना माना, बी माना। तो हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 35 टाइम्स ऑफ ए इज इक्वल्स टू 26 टाइम्स ऑफ बी, यहां से ए और बी का रेशो आ जाएगा या नहीं, बताओ किस किस को दिक्कत है इसमें, किस किस को दिक्कत है इसमें, जल्दी से बताओ। ये ए और बी का रेशो है, ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, नींद में थे तुम लोग जिन लोगों ने ऑप्शन ए टिक किया था। अब खुद सोचो, ए मेरा कौन सा एंगल है, स्मॉलेस्ट, बी मेरा कौन सा एंगल है, लार्जेस्ट, तो जो सेकंड लार्जेस्ट एंगल उसने पूछा है, जो सेकंड लार्जेस्ट एंगल पूछा है तो डेफिनेटली वो मेरा इससे बी वाले की एग्जैक्ट वैल्यू से कम आएगा। ये पॉइंट समझ में आता है, बी वाले की एग्जैक्ट वैल्यू से कम आएगा, पॉइंट समझ में आ रहा है ना ये। तो खुद सोचो, अगर किसी ट्राइंगल में एक एंगल का वैल्यू 26 है, दूसरे का 35 है, तो इसका वैल्यू कितना आएगा, जल्दी से बताओ, 119। बट 119 तो इन वैल्यूज के अकॉर्डिंग सबसे बड़ा एंगल हो जाएगा, और मैंने ऑलरेडी बी को लार्जेस्ट एंगल माना हुआ है, तो ये वाला केस तो वैलिड ही नहीं हुआ। पॉइंट समझ रहे हो, क्यों ये वाला केस वैलिड नहीं है, मेरे अकॉर्डिंग बी लार्जेस्ट एंगल है जो 35 आ रहा है, ए स्मॉलेस्ट एंगल है जो 26 आ रहा है, तो जो सेकंड लार्जेस्ट एंगल है वो इनके बराबर ही होगा। भैया अगर 26 स्मॉलेस्ट है, 35 लार्जेस्ट है, तो सबसे बड़ी बात है सेकंड लार्जेस्ट इन दोनों के बीच का वैल्यू आना चाहिए, बट ये आ रहा है 119, तो ये केस तो वैलिड ही नहीं है। पॉइंट समझ पा रहे हो, ठीक है। ऐसे ही अगला जो केस है,
अगली जो वैल्यू है, ठीक है, अगली जो वैल्यू है, हो सकती है ना, हो सकता है ना ये वैल्यू 52 रही हो और ये वैल्यू 70 रही हो, इन्हीं का तो मल्टीपल लिया है, इन्हीं का तो मल्टीपल लिया है, इन्हीं का तो मल्टीपल लिया है, बात वैलिड है ना, 52 और 70 हो। तो अगर किसी ट्राइंगल में, अगर किसी ट्राइंगल में एक एंगल 52 है, दूसरा एंगल 70 है, तो ये वाला एंगल कितना होगा जल्दी से बताओ, तीनों का सम कितना होता है 180, तो 70, 50, 120, 122 ये कितना हो जाएगा 58। क्या ये लार्जेस्ट एंगल से छोटा है, क्या ये लार्जेस्ट एंगल से छोटा है, क्या ये स्मॉलेस्ट एंगल जो कि 26 का मल्टीपल है, क्या ये उससे बड़ा है, ये एक केस बन सकता है और ये ऑप्शन में भी है, दैट्स व्हाई ये ऑप्शन चूज करूंगा मैं। बोलो कहां दिक्कत है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन। कुछ लोग कहेंगे तुम्हें ऑप्शन दिखाई दिया तो तुमने टिक कर दिया, तीसरा केस भी तो लेके दिखाओ भाई, तुम लोगों को ज्यादा दिक्कत है, तुम तीसरा केस ले लेना 78 और 105, 78, 35 × 3 105, 26 × 3 78, इन दोनों का सम ही 180 से बड़ा हो जाता है, इन दोनों का सम ही 180 से बड़ा हो जाता है, तो ये तो ट्राइंगल ही एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। आखिर मैंने रेशो निकाला था, रेशो दिया हुआ था मुझे 26:35 रेशो दिया हुआ था मुझे, तो इसी रेशो में दोनों एंगल्स होंगे ना मेरे, इसी रेशो में दोनों एंगल्स होंगे मेरे, 26 और 35 के रेशो में ही होंगे। ये ए मेरा स्मॉलेस्ट एंगल है और ये मेरा लार्जेस्ट एंगल है, तो स्मॉलेस्ट एंगल और लार्जेस्ट एंगल का जो रेशो है 26:35 आ रहा है। तो अगर 26:35 पे कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, क्योंकि लार्जेस्ट एंगल इसके अकॉर्डिंग 35 आ रहा है, रेशो को हमने एग्जैक्ट वैल्यू मान लेते हैं, ठीक है, तो 26 अगर मेरा स्मॉलेस्ट एंगल है, 35 मेरा लार्जेस्ट एंगल है, तो मेरा तीसरा एंगल कितना आ जाएगा 119, और वो 119 नहीं हो सकता। दिव्यांशी इसी रेशो में होंगे ना, वो रेशो भी तो मेंटेन करना है, रेशो भी तो मेंटेन करना है, रेशो भी तो मेंटेन करना है, इसने कहीं इंटीजर वैल्यू नहीं लिखी, ठीक है, रेशो भी तो मेंटेन करना है, तो 26:35 के रेशो में होने चाहिए वो हमेशा। निखिल अभी बता दूंगा मैं क्लास के बाद, डोंट वरी यार, क्लास के बाद मैं तुझे 10 मिनट दे दूंगा, दिक्कत मत ले, ठीक है, बट अभी आगे बढ़ते रहते हैं सबके साथ, परेशान मत हो, ठीक है, मैं उसको क्लियर करके छोड़ूंगा क्वेश्चन, अगर मैं क्लास में लाया हूं उस क्वेश्चन को, डोंट वरी, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन देखो, ये बेसिक प्रॉपर्टी पे बेस्ड है, ट्राइंगल की बेसिक प्रॉपर्टी पे बेस्ड है क्वेश्चन, मुझे पूरी उम्मीद है तुम लोग इस क्वेश्चन की धज्जियां उड़ा दोगे, मुझे पूरी उम्मीद है तुम इस क्वेश्चन की धज्जियां उड़ा दोगे, ठीक है। थैंक्स अनिरुद्ध, थैंक्स। अब भी कुछ लोग इसको गलत कर रहे हैं, कैसे इसको कोई गलत कर सकता है, थ्री साइड्स है ट्रायंगल की, आर ऑफ लेंथ 5, 9 एंड x सेंटीमीटर, देन x मस्ट बी, कंडीशन दी हुई है, सी वाला कौन है, सी वाले भी हैं भाई, डी वाले भी हैं, ए वाले भी हैं, आकाश, हर तरह की जनता मिलेगी तुम्हें हमारे यहाँ पे, ठीक है, वैरायटी है यार, वैरायटी है, ए भी है, हाँ ए वाले भी हैं, x इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 5, इन लोगों ने आधी प्रॉपर्टी पढ़ी है बस, इन लोगों ने प्रॉपर्टी पढ़ी है। अनिरुद्ध यार कौन सी बात याद दिला रहा है तू, अरे नहीं वो बच्चे वो नहीं होंगे क्लास में, वो क्लास में है क्या? नहीं यार, ठीक है, चलो देखो मेरी बात सुनो, थ्री साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर ऑफ लेंथ 5, 9 एंड x सेंटीमीटर, ट्रायंगल की प्रॉपर्टी होती है, ट्रायंगल की प्रॉपर्टी होती है कि ट्रायंगल की दो साइड्स का सम होता है, अगर ये साइड ए है, ये साइड बी है, साइड सी है, सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड, ठीक है, एंड द डिफरेंस ऑफ एनी टू साइड्स, डिफरेंस ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज ऑलवेज लेस देन द थर्ड साइड, ये दोनों प्रॉपर्टी वैलिड होती है। तो कभी भी अगर आपको ट्रायंगल की दो साइड्स गिवन हो और आपसे तीसरी साइड पूछी हो, जो जो तीसरी साइड होती है वो इन दोनों के डिफरेंस से बड़ी होगी, इन दोनों का डिफरेंस कितना आता है, डायरेक्ट निकालने का तरीका बता रहा हूं इनका यूज करके, sum of any two sides of a triangle is always greater than the third side and difference of any two sides of a triangle is always less than the third side, to jo hamari third side hai wo yahan pe x hai wo in dono ke difference se badi hogi, in dono ka difference kitna aa jayega 4 badi hogi, theek hai, aur in dono ke sum se choti hogi, in dono ka sum kitna aata hai 9 or 5 14, to ye kaun se option mein hai dekh lete hain ye zara, option b is the right answer to this question, direct isko aise kar lena, डायरेक्ट इसको ऐसे कर लेना, ठीक है राघव, राघव क्लियर है, वेलकम सुरभि, वेलकम टू द क्लास, ठीक है क्लियर है, आगे बढ़े, आगे बढ़े, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, बाबू क्वेश्चन है,
बाबू क्वेश्चन की कैटेगरी में आता है। ये ट्राइंगल्स के बेसिक क्वेश्चंस हैं, ट्राइंगल के बेसिक क्वेश्चंस हैं। सर प्लीज शेड्यूल ऑनलाइन क्लासेस एट 10 PM ओनली सो वर्किंग पीपल कैन ऑल्सो ज्वाइन। संतोष तुम जैसा कहोगे मैं वैसा ही करूंगा, ठीक है। मैं तुम्हारे अकॉर्डिंग चलना चाहता हूँ, कुछ दिन अपने अकॉर्डिंग बहुत चल लिया हूँ मैं, ठीक है। हाँ ये क्विज के क्वेश्चन उठाए हैं यार, मैं खुद बोल रहा हूँ, ये क्वेश्चन मैंने क्विज के उठाए हैं इसलिए ताकि आप लोगों को थोड़ा मेरा बारे में पता, मेरी ट्रिक्स पता लग जाए मैं कैसे करता इनको एग्जाम में, ठीक है। यहां से ना पता राघव, इसको क्वेश्चन को भी याद रखना है और इसका पैटर्न भी याद रखना है, इसको हमें हर बार यूज भी करना है, हमें इसको हर बार यूज भी करना है अगर कल को ऐसी सिचुएशन हमारे सामने आ जा रही है, ठीक है। ये मुझे बोल रहा है अगर कोई ट्राइंगल है, अगर कोई ट्राइंगल है पी क्यू आर, इसने मुझे बोला कोई ट्राइंगल है पी क्यू आर, द सम ऑफ द एक्सटीरियर एंगल्स एट क्यू एंड आर, ठीक है। आप इसका नामकरण कर दो सबसे पहले ना इसका नामकरण कर दो। नामकरण बोले तो ये पॉइंट पी है, ये पॉइंट क्यू है, ये पॉइंट आर है। अब इसने बोला है जो एक्सटीरियर एंगल है क्यू और आर पे, एक्सटीरियर एंगल क्यू और आर पे, तो क्यू पे एक्सटीरियर एंगल कुछ इस तरह से बनेगा, आर पे एक्सटीरियर एंगल कुछ इस तरह से बनेगा, ठीक है। अगर ये वाला एंगल आप मुझे बताओ, अगर ये वाला एंगल स्मॉल ए है, ये वाला एंगल स्मॉल बी है, ये वाला एंगल स्मॉल सी है, तो मुझे बताओ ये एक्सटीरियर एंगल का वैल्यू कितना होगा, ये एक्सटीरियर एंगल का वैल्यू कितना होगा यूजिंग एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ए प्लस बी। जो बाहर वाला एंगल होता है वो दोनों के सम के बराबर होता है, ठीक है। तो सिमिलरली ये वाला एक्सटीरियर एंगल कितना होगा जल्दी से बताओ, ए प्लस सी। अरे होगा या नहीं? और हमें ये भी गिवन है ए प्लस बी प्लस सी कितना होता है 180 डिग्री, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल होती है, ठीक है। यहां से मुझे एक बात समझ में आती है, उसने मुझसे पूछा है द सम ऑफ द एक्सटीरियर एंगल्स, यानी कि इन दोनों का सम, मेरे अकॉर्डिंग सम कितना हो जाएगा ए प्लस सी प्लस ए प्लस बी, इन दोनों का सम पूछा है, इसका सम और इसका सम, ये कितना है ए प्लस सी, ये कितना है ए प्लस बी, इन दोनों का सम पूछना चाह रहा है मुझसे। तो मुझे जरा पहली बात ये बताओ ए प्लस बी प्लस सी कितना हो जाएगा 180, बचा क्या मेरे पास ए, ए कौन सा एंगल है आज क्यू पी आर, तो 180 प्लस एंगल क्यू पी आर इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन। इसको नेक्स्ट टाइम से ध्यान रखना और वैल्यू पुट करते ही आंसर बताना, क्लियर है। ये कॉन्सेप्ट समझ में आता है, कॉन्सेप्ट ऐसा कुछ नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन था, ठीक है, कॉन्सेप्ट ऐसा कुछ नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन था, बट मैं चाहता हूं आप लोगों ने इसको नेक्स्ट टाइम यूज भी करो। कैसे यूज करो, अगर कोई आप लोगों को बोलता है कि यार कोई ट्राइंगल है उसकी दोनों साइड को एक्सटेंड कर दिया और इन दोनों का आपसे सम पूछ लिया, ये वाला एंगल आपको 40 डिग्री दिया हुआ है, तो इन दोनों एक्सटीरियर एंगल का सम कितना होगा, इन दोनों एक्सटीरियर एंगल का सम कितना होगा, हाँ 180 प्लस 40 विच इज 220 होगा, ठीक है, समझ रहे हो ना ये पॉइंट, ठीक है। तो डायरेक्ट निकालने की कोशिश करो, अगर हम लोगों ने इसको एक बार रिजल्ट की फॉर्म में क्वेश्चन पढ़ लिया तो आप लोग इस क्वेश्चन को यूज भी, इस कॉन्सेप्ट को यूज भी करो, डायरेक्ट यूज करो, ठीक है, समझ रहे हो ना पॉइंट मेरा, मेरा पॉइंट समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं जरा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। रिपीट प्लीज, सलोनी कहां से रिपीट करना है, इसमें कुछ रिपीट करने वाला है ही नहीं। एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल की दो साइड एक्सटेंड कर दी, तो जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो दो इंटीरियर एंगल्स के बराबर होता है, सम ऑफ टू रिमोट इंटीरियर एंगल्स, ये वाला जो एंगल है ये इन दोनों के बराबर होगा, इन दोनों का सम पूछा था मुझसे, ठीक है, इन दोनों का सम निकाला आया 180 प्लस ए, ए हम किसको बोल रहे हैं क्यूपीआर को बोल रहे हैं, तो 180 प्लस एंगल क्यूपीआर इसका आंसर। बट अगर कल को मुझसे पूछा जा रहा है, अब ये यदि कल को इस तरह की कोई फिगर बन रही है तो ये जो एक्सटीरियर एंगल्स होते हैं किसके बराबर होते हैं, 180 प्लस ये बीच वाला एंगल, वन इन दोनों का सम जो होता है 180 में क्या ऐड करना है, ये बीच वाला एंगल, तो मैंने आज ये बीच वाला एंगल 40 दिया था, तो इन दोनों का सम कितना होगा 180 प्लस 40 विच इज 220, डायरेक्ट यूज करना नेक्स्ट टाइम से इसको, डायरेक्ट यूज करना नेक्स्ट टाइम से इसको। ये क्वेश्चन बड़ा प्यारा है यार, ये क्वेश्चन बड़ा प्यारा है, ये क्वेश्चन बड़ा प्यारा है, जरा इसको ट्राई करना, ये क्वेश्चन बड़ा प्यारा है, मुझे अच्छा लगता है क्वेश्चन ये, इसको ट्राई करना जरा, इस क्वेश्चन को ट्राई करो, शायद आप लोग कुछ चीजें समझ में आनी बंद हो जाएं या समझ में अच्छी तरह आ जाएं। जब आप लोग सॉल्व कर लोगे तो बता देना, मैं पोल क्रिएट कर दूंगा, सिर्फ 30 सेकंड के लिए पोल क्रिएट करूंगा, लेकिन सॉल्व करना सब लोग, अगर किसने पहले भी किया हुआ है तो वो भी सॉल्व करना, फिर मेरा मेथड समझने की कोशिश करना। ये क्वेश्चन गलत हुआ था क्विज में, तो राघव यही तो सीखना है, इसलिए तो मैं करा रहा हूं,
और मैं ज्यादा आसान क्वेश्चंस भी ले रहा, मतलब वो मैंने आज वीकली क्विज वाले क्वेश्चन लिए हैं, ठीक है, फिर वो 30 क्वेश्चन वाली क्विज के भी क्वेश्चंस लूंगा, फिर मैं अपने क्वेश्चंस भी कराऊंगा अभी। और तो मैंने इसलिए ये नहीं बोला कि कितने सेशंस लूंगा मैं, जब तक ये कारवा चलता रहेगा हम भी इसके साथ चलते रहेंगे, ठीक है। पढ़ते रहो ज्योमेट्री ना, जिन लोगों को लग रहा है उनके बेसिक्स फंडामेंटल क्लियर नहीं है तो अपने किसी फ्रेंड से हेल्प लो, मतलब पढ़ लो, ये चीजें कवर कर लोगे ना एक बार, क्वेश्चन करने में बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट आएगा फिर। सर बेसिक्स नहीं हुआ इसलिए क्वेश्चन देख कर डर लग रहा है, क्वेश्चन में शायद क्वेश्चन के दो सींग निकल चुके हैं इसलिए सिमरन को डर लग रहा है। डरना मना है यार, डर क्यों रहे उन क्वेश्चन से, डराने के लिए थोड़ा ही करा रहा हूं मैं। आंचल वर्मा, सर बेसिक्स कहां से करें? आंचल ये बताओ जो मेरा टेलीग्राम चैनल है तुम उसमें ऐड हो। अरे गौरव यार बड़े दिन बाद क्लास में आया तुम, सूर्यकांत तुम भी बहुत दिन बाद क्लास में हो यार, वेलकम टू द क्लास। हाँ तो एक चैनल है टेलीग्राम पे, आप जब जाओगे सर्च करना कॉम्पिटिटिव मैथ्स बाय उदित, कॉम्पिटिटिव मैथ्स बाय उदित, उस चैनल में ऐड हो जाओ, ठीक है। तबियत खराब हो गया था सर, सूर्यकांत ऐसा मत बोलो यार, तबियत तुम तबियत बोलते हो तो मैं डर जाता हूँ, आजकल कोई बोलता है ना उसकी तबियत खराब हो गई थी, मैं मेरे अंदर तक रूह कांप जाती है। चलो ठीक है मैं पोल क्रिएट कर रहा हूँ, ठीक है सर। एक बार ट्रिपलेट बता देना इस रेंज का प्लीज, ट्रिपलेट ट्रिपलेट ट्रिपलेट। कौन कहता है ये क्वेश्चन ट्रिपलेट से होगा? सर खांसी तो आपको भी है काफी दिनों से। अरे पता क्या है, मुझे 12 के 12 महीने खांसी रहती है क्योंकि मैं बोलता हूँ और मेरी आदत है थोड़ा तेज बोलने की, मतलब मुझे तेज बोल के पढ़ाने में मजा आता है, वरना मैं ऐसे ही बोल सकता हूँ बहुत आराम से, हर समझ में आ रहा है ना इस तरह से। आदत है वो शुरू से। 33, 56, 65 करके कुछ अनिल ने ट्रिपलेट लिखा है, बट ये शायद यूज नहीं होगा, ठीक है। देखो बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आने की पूरी पूरी उम्मीद है कि ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है या आपको किसी भी मॉक टेस्ट में भटक सकता है, ठीक है। पहली बात तो ये, किसी से नहीं हुआ ना क्वेश्चन, ये किसी से नहीं हुआ ना क्वेश्चन, ये मैंने पोल पे ध्यान नहीं दिया, ठीक है। चलो देखना जरा, अब देखना जरा क्वेश्चन, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, नहीं हुआ तो तुम्हें घबराने वाली बात नहीं है। पैरामीटर ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल इज 240, लेंथ ऑफ द स्मॉलेस्ट मीडियन। देखो सबसे पहले तो ये बात समझने की कोशिश करो, कुछ चीजें पता होनी चाहिए आपको। अगर ये कोई ट्रायंगल है, अगर ये कोई ट्रायंगल है, ये सबसे बड़ी साइड इसकी कौन सी दिखाई दे रही है तुम्हें, बताना जरा बताना, सबसे बड़ी साइड तुम्हें कौन सी दिखाई दे रही है इसकी, बीसी। सबसे बड़ी साइड कौन सी दिखाई दे रही है, बीसी। तो अगर मैं बीसी के मिड पॉइंट से, अगर मैं बीसी का जो मिड पॉइंट है उसको एम मान के चलता हूं, तो एएम जो होगी ना वो स्मॉलेस्ट मीडियन होगी, AM जो होगी ना वो स्मॉलेस्ट मीडियन होगी। पहला पॉइंट तो ये, ठीक है। जो सबसे बड़ी साइड होती है, जो सबसे बड़ी साइड होती है उससे रेस्पेक्टिव अगर आप मीडियन बना रहे हो, परपेंडिकुलर बना रहे हो, तो वो सबसे छोटा होता है। पॉइंट समझ में आता है क्या? इसको बिल्कुल ज्योमेट्री बिल्कुल विजुअलाइज कराने की जरूरत है, ठीक है। ऐसा ही आप लोगों के बारे में, ऐसा ही आप लोगों को एक पॉइंट और बताना चाहूंगा मैं। अगर यहां पर यह कोई ट्राइंगल है, यहाँ पे कोई ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल की सबसे छोटी साइड कौन सी दिखाई दे रही है, जरा बताना। इस ट्रायंगल की सबसे छोटी साइड कौन सी दिखाई दे रही है आप लोगों को? QR। अगर QR के रेस्पेक्टिव किसी ने मीडियन बनाई है, QR के रेस्पेक्टिव किसी ने मीडियन बनाई है और ये स्मॉलेस्ट साइड है, तो ये अगर ये इस मीडियन का नाम PS है, तो ये सबसे बड़ी मीडियन होगी इस ट्रायंगल की। ये पॉइंट क्लियर है, ये समझने के लिए चाहिए इसमें, ठीक है। देखो अगर सबसे बड़ी साइड है, यहाँ पे एबीसी ट्राइंगल में जो बीसी साइड थी वो सबसे बड़ी साइड थी, तो सबसे बड़ी साइड पे जो मीडियन बनेगी वो स्मॉलेस्ट मीडियन होगी। और अगर किसी ट्राइंगल में मैंने सबसे छोटे साइड से मीडियन ड्रॉ करी है, तो वो सबसे बड़ी मीडियन होगी। आई थिंक ये दोनों पॉइंट आप लोग क्लियर होंगे, क्योंकि क्वेश्चन में इनकी जरूरत है, इसलिए मैं इनको समझाना चाह रहा था, ठीक है। अब कोई भी एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लीजिए, हम लोगों ने राइट एंगल ट्राइंगल बना लिया। राइट एंगल ट्रायंगल की हाइपो एरी, और राइट एंगल ट्रायंगल की हाइपो की एक बात खासियत है, हाइपो ही क्या होती है, सबसे बड़ी साइड होती है। हाइपो ही क्या होती है, सबसे बड़ी साइड होती है, पता है ना ये चीजें।
और हाइपो से हम लोगों ने एक मीडियन बना रखी है, इट मींस ये जो होगा हमारा क्या होगा, मिड पॉइंट होगा, ये जो होगा हमारा मिड पॉइंट होगा। कौन सा मिड पॉइंट होगा भाई, अगर मैं इसका एबीसी नाम रख रहा हूँ और इस पॉइंट को डी रख रहा हूँ, तो डी यहाँ पे क्या होगा, मिड पॉइंट। किस किस को बातें हजम नहीं होती, किस किस को बात हजम नहीं हो रही है। मीडियन पता है क्या होती है, मीडियन द लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट टू द अपोजिट वर्टेक्स, द लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट टू द अपोजिट वर्टेक्स, उसी को हम क्या बोलते हैं, मीडियन बोलते हैं। तुम लोग मुझसे क्वेश्चन पुट कर सकते हो, सर आपको कैसे पता लगा ये सबसे स्मॉलेस्ट मीडियन होगी। मैं कहूंगा भैया क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल में ना हाइपो सबसे बड़ी साइड होती है, हाइपो के रेस्पेक्टिव अगर आप कोई ऑल्टीट्यूड या मीडियन बनाओगे तो सबसे छोटा हो। अभी मैंने शायद आप लोगों को यही समझाया था, राइट एंगल ट्राइंगल में सबसे बड़ी साइड जो होती है वो हाइपो होती है, हाइपो के रेस्पेक्टिव हमने जो मीडियन बनाई वो स्मॉलेस्ट मीडियन होगी। इस मीडियन की लेंथ कितनी दे रखी है मुझे, 56, और इस ट्राइंगल का पैरामीटर कितना दिया है, 240। सर तो मिड पॉइंट पर ही कट क्यों करेगा, मीडियन है ना भाई, भाई मीडियन, मीडियन इज नथिंग द लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट टू द अपोजिट वर्टेक्स। तो हेयर एडी इज इक्वल्स टू डीसी, हेयर एडी इज इक्वल्स टू डीसी, क्लियर है ना ये पॉइंट, ठीक है। अब मुझे बताओ आप लोग बीडी का वैल्यू कितना दिया उसने, बीडी का वैल्यू 56 सेंटीमीटर। अगर मैं एबी को स्मॉल ए बोल रहा हूं, बीसी को स्मॉल बी बोल रहा हूं और एसी को मैं स्मॉल सी बोल देता हूं, तो मुझे गिवन है ए प्लस बी प्लस सी कितना दिया हुआ है, 240। इतना ही तो मुझे गिवन है अब तक। यहां से मुझे एक चीज समझाने की कोशिश करो या बताओ मुझे, समझाऊंगा तो मैं ही तुम लोगों को, ठीक है। एक चीज बताओ जरा मुझे, आप लोगों को क्या ये पता है, आप लोग क्या ये पता है, अगर ये कोई ट्राइंगल सर्कल है, अगर ये कोई सर्कल है, सर्कल में हम लोगों ने यहाँ पे एक इसकी डायमीटर बनाई, सर्कल में हमने इसकी डायमीटर बनाई, डायमीटर का यूज करके मैं जो भी ट्राइंगल बनाता हूँ वो ट्राइंगल कैसा होता है आप लोगों को पता है, डायमीटर का यूज करके जो भी मैं ट्राइंगल बनाता हूँ कैसे ट्राइंगल होता है, राइट एंगल ट्राइंगल, कभी नहीं भूलोगे बात जो मैं बता रहा हूं, अगर तुमने ढंग से समझ लिया आज। और ये सर्कल का क्या होगा, सेंटर, बिकॉज जो सेंटर होगा वो डायमीटर पे ही लाई करेगा, जो सेंटर होगा वो डायमीटर पे लाई करेगा ना, ये पॉइंट क्लियर है। डायमीटर का यूज करके मैंने एक ट्राइंगल बनाया, ये ट्राइंगल हमेशा राइट एंगल ट्राइंगल होता है, ये पॉइंट भी क्लियर है आप लोगों को, ठीक है। तो भैया मुझे ये बात बताओ आप लोग, अगर मैं सेंटर से ये बाउंड्री तक मिला दूंगा, सेंटर से अगर मैं इसको बाउंड्री तक मिला दूंगा, तो ये भी क्या कहलाएगी, रेडियस कहलाएगी ना, रेडियस। अब मुझे एक चीज बता दो जरा, अगर ये रेडियस है, ये रेडियस है, तो सेंटर से लेके बाउंड्री तक की डिस्टेंस ये भी क्या कहलाएगी, रेडियस। बोलो समझ में नहीं आया, बोलो समझ में, सेंटर हमेशा हाइपो पर आएगा। हाँ अनिरुद्ध ये बात तो क्लियर है ना, अगर कोई राइट एंगल ट्राइंगल है उसका मैं सरकम सर्कल बनाता हूं तो सरकम सर्कल का सेंटर हमेशा हाइपो के मिड पॉइंट होता है, सरकम सर्कल का जो सेंटर होगा वो हमेशा हाइपो के मिड पॉइंट पे होगा, क्लियर है। इसके बाद तो कुछ बचता ही नहीं है, इसमें तो सब कुछ क्लियर हो गया होगा आप लोगों को, मिड पॉइंट है ये, पूरा डायमीटर है, डायमीटर में ये रेडियस, ये भी रेडियस, सेंटर से लेके बाउंड्री तक का डिस्टेंस भी क्या कहलाता है, रेडियस कहलाता है। और अब खुद सोचो, अगर आप सिर्फ इस ट्राइंगल को देखो, अभी जरा सिर्फ इस ट्राइंगल को देखो जरा, ट्राइंगल में ये हाइपो है, राइट एंगल ट्राइंगल होगा, ट्राइंगल के हाइपो है, हाइपो के मिड पॉइंट को अपोजिट वर्टेक्स से मिलाया, तो ये क्या है जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूं, ये क्या होगी, मिड पॉइंट को अपोजिट वर्टेक्स से मिलाने वाली लाइन क्या होती है, द लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट टू द अपोजिट वर्टेक्स क्या होती है, मीडियन। तो भैया यहां पे समझने की कोशिश करो, अगर मैं इसका सर्कम सर्कल बनाता तो सर्कम सर्कल का ये क्या होता, सेंटर, ये सेंटर होता, तो ये भी रेडियस, ये भी रेडियस, ये भी रेडियस, अरे समझ में आ रही है बातें, ये तीनों रेडियस होंगी। इसका वैल्यू मुझे 56 दिया हुआ है, जो बीडी का वैल्यू है वो क्वेश्चन में 56 दिया हुआ है, तो एडी का वैल्यू भी कितना हो जाएगा, 56, और डीसी का वैल्यू भी कितना हो जाएगा, 56। इट मींस जो कंप्लीट सिक्स, जो कंप्लीट सी है वो कितना हो गया, 112, जो कंप्लीट सी है, बिकॉज सी इज द हाइपो, बिकॉज सी इज द हाइपो, कितना हो गया, 112। उसके बाद कुछ नहीं बचा है क्वेश्चन में, वैल्यू पुट करो सी की, यहां से ए प्लस बी का वैल्यू कितना आ जाएगा, 240 में से 112 गए, कितना आएगा जल्दी बताओ, जल्दी बता दो, 128, अरे आ जाएगा या नहीं। अब ये मत कह देना तुम लोगों को ये नहीं पता, ये मत कह देना तुम लोगों को ये नहीं पता, ये पाइथागोरस थ्योरम है और ये सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल में ही लगती है, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स किया तो ये मिला, मिलेगा ना ये, ठीक है। इसका स्क्वायर करने की वैसे हमें जरूरत नहीं है, हम लोगों ने अपना टैलेंट गलत दिखा दिया यहाँ पे,
ठीक है, चलो लिख लो इसको, जरा ऐसे ही लिख लो, ठीक है। इधर कितना हो जाएगा, ये ए रूट टू कौन से, दिस हैपन इन द केस ऑफ सर्कम सर्कल राइट, हेयर इट जस्ट अ ट्राइंगल, हेयर जस्ट अ ट्राइंगल। अरे यार तुम्हें ये याद रखना है, पूरा कॉन्सेप्ट सीखा है, राइट एंगल ट्राइंगल में हाइपो के रेस्पेक्टिव जो मीडियन होती है, उस मीडियन का जो लेंथ होता है वो हाइपो से जस्ट हाफ होता है, हमें ये याद रखना है। तो अगर ये 56 है तो पूरा हाइपो 112 होगा। अगर मैं शुरू में ये बोल देता है पूरा 112 है तो शायद तुम लोग सब बैठ जाते हैं, व्हाट्सएप चलाने शुरू कर देते हैं। लॉजिक समझो ना यार, ये पूरा समझाया है कि ये 56 है, इसका आधा होता है, उसके पीछे पूरा रीजन दिया है मैंने भाई, ठीक है। अगर मैं, मुझे तो पता है डायरेक्ट डबल होगा, लेकिन मैं आप लोगों को बोलते तो शायद आप लोग भाग जाते अब तक, ठीक है। समझ में आ रही है ना बातें, बातें समझ में आ रही है ना, ठीक है। तो जरा देखो, अब जरा समझने की कोशिश करो, उसके बाद कैलकुलेशन बचे कुछ नहीं बचा। ये कितना हो जाएगा इधर, 128 का स्क्वायर हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को हम लोग क्या बोल दे सकते हैं, सी स्क्वायर। और सी का वैल्यू कितना होगा, जल्दी से बताओ, सी का वैल्यू कितना है, 112। तो यहां से मुझे ए बी का वैल्यू बताओ, सी का वैल्यू 112 रखने जा रहा हूं मैं इसमें, तो 2ab आ जाएगा, 112 इधर भागेगा, इसको इधर लिख देते हैं, 112 का स्क्वायर, क्योंकि सी का वैल्यू 112 है तो उसका स्क्वायर हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी, 240 इंटू 16, 2 से उड़ाया 8 आया। एरिया कितना होगा इस ट्रायंगल का, एरिया पूछा है ना, एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना होता है, राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया कितना होगा, इसका एरिया, एरिया होगा हाफ ए बी, एरिया कितना होगा, हाफ ए बी होगा, ए बी का वैल्यू तो ये है, तो हाफ से मल्टीप्लाई करने में कौन सी आफत आ गई, हाफ से मल्टीप्लाई कर देना, 240 इंटू 4 होता है 960, विच इज ऑप्शन बी इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन। बीडी 56 है, एडी की, एडी 56 कैसे हुआ, मैजिक, कुछ चीजें मैजिक भी होती है सूर्यकांत, सूर्यकांत कुछ चीजें मैजिक भी होती है ब्रो। अब मुझे डाउट बोलो अपने, एबीसी बाय 4 आर सर्कम सर्कल भी कर सकते हैं, रितेश आंसर आ गया था उससे, रितेश उससे आंसर आ गया था। अब मैं डाउट देख लूं जरा एक बार, समझ नहीं आ रहा समझ, अरे रुको यार, चैनल, अरे अब लिखो यार, अब लिखो, मैंने तो परसेंटेज पे ही हूं, ठीक से समझ नहीं आ रहा। सिमरन आप स्किप कर दो, मैं ही कह रहा, आप लोग देखो, मैंने बट मैं पिछले 10 दिन से आप लोगों को बोल रहा था, आप लोग ज्योमेट्री के बेसिक्स, सर लास्ट 3 स्टेप्स वापस देख यार, निखिल जितने भी सब लोग देख रहे हैं एक बार पॉइंट समझने की कोशिश करो। क्वेश्चन में कुछ नहीं था, अगर तुम्हें ये बात पता थी कि राइट एंगल ट्राइंगल में जो हाइपो का मिड पॉइंट होता है, हाइपो के मिड पॉइंट से अगर मैं सामने वाले वर्टेक्स को मिला दूंगा तो इन तीनों की लेंथ बराबर होती है। जिस बच्चे को इतनी बात पता थी ना, उसके लिए क्वेश्चन सिर्फ 30 सेकंड का क्वेश्चन था, और अगर किसी को ये बात नहीं पता थी तो भैया उसको बहुत ज्यादा टाइम लग सकता था क्वेश्चन करने में, हो सकता है आप लोगों को लगा भी हो। ए प्लस की वैल्यू की बात फिर से, अरे वो कैलकुलेशन है, ये पॉइंट समझ में आता है ना, मैंने इसके लिए प्रूफ भी दिया, अगर किसी राइट एंगल ट्रायंगल का मैं सर्कम सर्कल बनाता हूं तो उस सर्कल का सेंटर हाइपो के मिड पॉइंट पे होता है, ये सेंटर है, तो ये रेडियस बाउंड्री से लेके सर्कम बाउंड्री से लेके सेंटर से लेके बाउंड्री की डिस्टेंस क्या होती है, रेडियस। तो ये तीनों रेडियस है, तो इन तीनों का वैल्यू बराबर होगा, उसी का यूज करा है यहाँ पे। बीडी 56 दिया हुआ था, तो ये भी 56, पूरा सी कितना हो गया 112। पैरामीटर कितना दिया हुआ है, 240, इसका अच्छी तरह यूज किया, सी का वैल्यू 112 आया, तो 112 को इधर माइनस किया, तो ए प्लस बी कितना हो गया 128, इसी इक्वेशन से इसको रिलेट किया। पाइथागोरस थ्योरम याद आया, तो पाइथागोरस थ्योरम होती है स्क्वायर, पावर 2 होती है, तो मैंने इधर भी स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इसका स्क्वायर किया ये आया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को मैं सी स्क्वायर बोल सकता हूं, मैंने यहां पे सी स्क्वायर बोल दिया, 2ab एज इट इज है। इस सी स्क्वायर का वैल्यू, सी का वैल्यू कितना था 112, ये उधर जाके हो जाएगा माइनस 112 का स्क्वायर, यहां से ab का वैल्यू आ गया 240 इंटू 8, बट एरिया होता है हाफ ab, तो मैंने हाफ से मल्टीप्लाई कर दिया, जो पूरा सॉल्व करके 960 आ गया। हाँ, मेंशन था भाई, क्वेश्चन तो राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया बता दो एक बार, हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ बेस इंटू हाइट होता है एरिया, हाफ मीडियन इंटू हाइपो क्यों नहीं किया, हाफ मीडियन इंटू हाइपो क्यों नहीं किया, कौन है, हिमांशु, काश तुम मेरे सामने होते अभी, मैं तुम्हें डेरी मिल्क सिल्क गिफ्ट करता, तुम्हें पता है 5 फॉर्मूले होते हैं एरिया के, 5 फॉर्मूले होते हैं एरिया के, हाँ मैंने सारे डिस्कस कर रखे हैं कोर्स में, सारी चीजें बताई हैं मैंने, ठीक है सर, बट क्वेश्चन में राइट एंगल ट्राइंगल, भाई क्या लिखा हुआ है ये क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, एक अच्छा क्वेश्चन कराया तो हवा खिसक गई सबकी, क्या लिखा हुआ है, ठीक है
आगे बढ़िए, यस मैं भी बहुत देर से सोच रहा था आगे बढ़ने की, ठीक है आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं। अरे क्वेश्चन तो एटलीस्ट पूरा पढ़ लिया करो यार, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा, ये क्वेश्चन देखो, मुझे पूरी उम्मीद है तुम लोग इसमें भी अपना टैलेंट दिखाओगे। सर पांच से ज्यादा होते हैं, अरे यार देखो बहुत होते हैं, मैं उनपे बहस कर ही नहीं रहा हूं, मैं कह रहा हूं मेरे यूज के कितने हैं वो देखो, बस मेरे यूज के कितने हैं वो देखो तुम। हमें तो एग्जाम क्रैक करना है, हमें मास्टरी करनी नहीं है, किसी को अगर मास्टर बनना है तो वो अलग बात है, बट हमें एग्जाम क्रैक करना है, एट द एंड ऑफ द डे हमारा सिलेक्शन होना चाहिए बस, चाहे हम एक दिन पढ़ लें चाहे हम 100 दिन पढ़ लें, सिंपल सा पॉइंट है। इसको ट्राई करो जल्दी से जरा इस क्वेश्चन को। सर बट क्वेश्चन में राइट एंगल ट्रायंगल, इसका कमेंट तो पूरा छा रखा है रूपेश का, एरिया तो बता दो एक बार, बता तो दिया एरिया, हाफ बेस इनटू हाइट, हाफ मीडियन, हिमांशु कह रहा है हाफ, हाँ हिमांशु भाई अब तो आ जा जरा, हिमांशु भाई समझ ले जरा, हिमांशु पता है क्या, अगर कोई राइट एंगल ट्रायंगल है ना, अगर कोई राइट एंगल ट्रायंगल है और इसका वैल्यू सी है, ये जो मीडियन है इसका वैल्यू एम है, तो एरिया कभी भी हाफ सी इंटू एम मत कर देना, एरिया होता है हाफ बेस इंटू हाइट। मीडियन को हम परपेंडिकुलर नहीं बोलते, मीडियन और परपेंडिकुलर दो अलग अलग चीजें हैं, मीडियन और परपेंडिकुलर दो अलग अलग चीजें हैं मेरे भाई, मीडियन और परपेंडिकुलर को तुमने एक ही मान लिया, मीडियन और परपेंडिकुलर को तुमने एक ही मान लिया। निखिल क्लियर है, निखिल का था हिमांशु का, हिमांशु क्लियर है, हिमांशु क्लियर है, देखो अगर तुम ये सोच रहे हो कि वो तुम्हें ट्रायंगल के दो एंगल देगा तीसरा एंगल पूछेगा और तुम्हारे कैट में तुम्हें आई एम अहमदाबाद मिल जाएगा बेंगलोर मिल जाएगा, तो भैया गलत सोच रहे हो, गलत रास्ते पे पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। चलो टाइम अप, 15 सेकंड और दे दी मैंने तुम्हें, तुम भी याद रखोगे मुझे, लेकिन मिली नहीं पाई तुम्हें, हमने तुम्हें 15 सेकंड देने की कोशिश करी। अक्षय राघव का पीछा करते हुए और अभिषेक अक्षय का पीछा करते हुए, बहुत ही खतरनाक रेस चल रही है, ठीक है। सर लीडर बोर्ड, मुस्कान अभी तो हट गया लीडर बोर्ड यार, अभी दिखाता मैं, अभी हट गया, नेक्स्ट क्वेश्चन में दिखा दूंगा। इन द राइट एंगल ट्रायंगल इन रेडियस इज 2, वेरी गुड सर, कम रेडियस इज 7, फाइंड द एरिया ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल। अब देखो जिन लोगों को आफत होंगी अब वो सिर्फ आफत का सामना करने से बचें और क्वेश्चन को समझें। अगर कोई राइट एंगल ट्रायंगल है, अगर कोई राइट एंगल ट्रायंगल है तो जिन लोगों ने बेसिक्स नहीं पढ़े हैं वो चीज लिख लेना जरा पॉइंट बना के ना, जो लोग वो थोड़ी चीजें आती होंगी थोड़ी चीजें नहीं आती वो लिख लेना जरा। अगर ये कोई राइट एंगल ट्रायंगल है, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, ये हाइट है, तो जो इन रेडियस होती है वो तो होती है परपेंडिकुलर प्लस बेस माइनस हाइपोटेन्यूज, उसको मैं डिनोट करता हूं स्मॉल आर से, स्मॉल आर यहां पे क्या है इन रेडियस। एक टर्म होता है सरकम रेडियस, एक टर्म होता है सरकम रेडियस, उसको मैं डिनोट करता हूं कैपिटल आर से, कैपिटल आर बराबर होता है हाइपो बाय 2 के, कैपिटल आर बराबर होता है हाइपो बाय 2 के। आई थिंक आप लोगों को यहां तक की कहानी क्लियर होगी, ठीक है ठीक है। अब आप जरा देखो मुझे यहां पे खुद बताओ, एक हमें राइट एंगल ट्रायंगल दिया हुआ है, राइट एंगल ट्रायंगल की इन रेडियस 2 है, सरकम रेडियस कितना है 7, इन रेडियस 2 है यानी कि इसका वैल्यू हमें 2 दिया हुआ है और इसका वैल्यू हमें 7 दिया हुआ है, तो यहां से सॉल्व करने के बाद हाइपो का वैल्यू कितना आ जाएगा 14, अरे आ जाएगा या नहीं, हाइपो का वैल्यू कितना आ जाएगा 14 आ जाएगा। यहां से जरा मुझे बताओ परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर किसके बराबर होगा, हाइपो के स्क्वायर के। राइट एंगल ट्रायंगल में यही तो होता है, पाइथागोरस थ्योरम में यही होती है, हाइपो का वैल्यू कितना है 14, जरा यहां पे रखना 14 वैल्यू, इसको 14 रखना जरा यहाँ पे, परपेंडिकुलर प्लस बेस माइनस 14 इंटू कितना हो जाएगा ये 4 हो जाएगा, यहाँ से परपेंडिकुलर प्लस बेस का वैल्यू कितना हो जाएगा 18। ये तो अब लास्ट क्वेश्चन की तरह बन गया है, ये तो अब लास्ट क्वेश्चन की तरह बन गया है। आप लोगों को P प्लस B कितना दिया हुआ है 18 दिया हुआ है, स्क्वायरिंग कर देना दोनों साइड, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 पी बी,
और इधर 18 का स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इसके बराबर होता है एच स्क्वायर के, ये इधर माइनस हो जाएगा तो 2pb का वैल्यू आ जाएगा 18 स्क्वायर, एच स्क्वायर कितना था एच का वैल्यू कितना आया था 14, उसका स्क्वायर कर देना माइनस 14 स्क्वायर, यहां से सॉल्व कर लेना हाफ पी बी आ जाएगा आप लोगों का 32, हाफ पी बी आ जाएगा 32, दिक्कत तो नहीं है। 2pb का वैल्यू कितना होगा 18 और 4 32 इंटू 4, तो ये आ जाएगा आपका हाफ पीबी का वैल्यू आ जाएगा 32 और हाफ पीबी ही इस ट्रायंगल का एरिया होगा, हाफ परपेंडिकुलर इनटू बेस, पता है ना एरिया यही होता है एरिया सेमी सेमी पैरामीटर अपॉन आर, एरिया सेमी पैरामीटर अपॉन, हाँ होता है शुभा होता है शुभा होता है, बट अभी देखो ना अभी किस चीज की जरूरत है, अभी किस चीज की जरूरत है वो तो देखो, से इजी होगा सर इजी होगा देख लेते हैं एक बार, ये 32 का आंसर है, 32 का आंसर है ठीक है। सुबह अभी बताता हूं, मैं भी बताता हूं कैसे होगा वो, मैं बता देता हूं। उज्जवल बाबू इतना लेट क्यों आ रहे हो, उज्जवल बाबू इतना लेट क्यों आ रहे हो, इन रेडियस का एक फॉर्मूला होता है एरिया अपॉन सेमी पैरामीटर, एरिया अपॉन सेमी पैरामीटर ठीक है, इन रेडियस का फॉर्मूला होता है, तो इन रेडियस कितनी है 2, एरिया हमें नहीं पता, सेमी पैरामीटर कितना हो जाएगा, सेमी पैरामीटर कितना हो जाएगा, मुझे तो हाई को पता है 14 है, मुझे तो हाई को पता है 14 है, पी प्लस बी की जगह तुमने 18 रखा, ये निकाल के रखा, बताओ ये निकाल के रखा, हाँ ये रखा होगा ना, वही कह रहा हूं मैं 18 रख दो यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 18 प्लस 14 का आधा कर देना, तो 32 का आधा 16 इंटू 2 32, ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, ये भी अच्छी अप्रोच है, मतलब कैलकुलेशन से बच गए इसमें हम लोग, थैंक यू शुभा, इसमें हम कैलकुलेशन से बच गए, मतलब मैं उसको ना यहीं से रिलेट कराना चाह रहा था लास्ट वाले क्वेश्चन से, ठीक है मैं इसको लास्ट वाले क्वेश्चन से रिलेट कराना चाह रहा था, वो काम तो फिर हम यहाँ पे भी कर सकते थे ठीक है, मतलब डिपेंड कैलकुलेशन पे करता है, मेन चीजें ये थी इस क्वेश्चन में समझाना, ये 56 और ये 56 कैसे होगा, ये समझ में आता है नहीं आता ठीक है। ठीक है यहाँ पे इन रेडियस गिवन नहीं थी, बट यहाँ पे इन रेडियस गिवन है, तो जहां पे गिवन है वहां पे तो मैं यूज करूंगा ना, मैं भी तो मजबूर हूँ मैं भी यूज करूंगा, बट इन रेडियस भी निकाल सकते थे हम लोग ठीक है, मतलब चीजें समझ में आती हैं पहले मुझे बताओ, फिर मैं एक अच्छा सा क्वेश्चन कराता हूँ, जरा चीजें समझ में आती है तो फिर मैं जरा एक अच्छा सा क्वेश्चन कराता हूँ ठीक है। चलो एक अच्छा सा क्वेश्चन लिखते हैं जरा, ध्यान देना बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, बेसिक के बिना नहीं हो रहे हैं, बेसिक के बिना नहीं हो रहे हैं, निखिल हम निकालते हैं इसका कुछ सॉल्यूशन ठीक है। ये जितने भी बेसिक्स वाले बच्चे हैं एक बार टेलीग्राम चैनल में आ जाना, मैं बताता हूं कल तक इसका सॉल्यूशन निकाल के ठीक है। ठीक है जरा देखो एक क्वेश्चन है, हमें ये दिया जा रहा है एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल के सारे एंगल्स ना देखो, मैं ट्राइंगल के जो सारे एंगल्स हैं, जो एंगल हैं ए बी सी, ध्यान से समझना, ए बी सी सारे के सारे इंटीजर्स हैं, पहला पॉइंट तो ये, ए बी सी सारे के सारे क्या हैं इंटीजर्स हैं, तो आप डेसिमल वैल्यू के बारे में मत सोचो ठीक है, ये हमें गिवन है, ये हमें गिवन है, इसने बोला है हमें इफ वन ऑफ द एंगल ऑफ द ट्राइंगल, इफ वन ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज, चैनल का नाम बता दो एक बार, सर भूल गया, कॉम्पिटिटिव मैथ्स बाय उदित ठीक है। इफ वन ऑफ द एंगल ऑफ अ ट्राइंगल, इफ वन ऑफ द एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज 40 डिग्री ठीक है, ये हमें गिवन है, ट्राइंगल है, ट्राइंगल के सारे एंगल्स क्या इंटीजर है, जो हमारा एक एंगल है ट्राइंगल का वो 40 डिग्री है, मुझसे देखो क्या पूछा जा रहा है, मुझसे पूछा जा रहा है, ध्यान से सोचना जरा इस क्वेश्चन के बारे में, हाउ मेनी कॉम्बिनेशंस ऑफ द एंगल्स, हाउ मेनी कॉम्बिनेशंस ऑफ द एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल, ऑफ द ट्राइंगल आर पॉसिबल इफ द ट्राइंगल इज
acute, if the triangle is acute, if the triangle is acute, ठीक है, देखो क्वेश्चन क्या कहता है, इफ वन ऑफ द एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज 40 डिग्री, हाउ मेनी कॉम्बिनेशन ऑफ द एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल आर पॉसिबल इफ द ट्राइंगल इज एक्यूट, एक ट्राइंगल है ठीक है, इसके सारे एंगल्स इंटीजर्स में है ठीक है, तो जरा सोचो इसके बारे में, इसके बारे में सोचना शुरू करो, रितिश चेक कर लेना बाबू एक बार, रितिश बाबू एक बार चेक कर लेना ठीक है, रितिश बाबू एक बार चेक कर लेना, वेरी गुड वेरी गुड, संस्कार शुक्ला 4, अनिरुद्ध का वेट कर रहा हूं मैं, हर्ष का वेट कर रहा हूं, राघव का वेट कर रहा हूं, शुभा का वेट कर रहा हूं, कॉम्पिटिटिव मैथ्स बाय उदित एट मुस्कान, यस मनीषा, थैंक्स मनीषा यार, ऐसे बीच में ना जिन लोगों को पता है प्लीज बता दिया करो बाकी लोगों को, नहीं मनीषा 4 इसका आंसर नहीं है सर, बेसिक के बिना नहीं हो रहे हैं निखिल, क्लास 10th तक की वैसी चीजें यूज हो रही हैं इसमें, बट फिर भी मैं निकालता हूँ कुछ सॉल्यूशन आप लोगों को बेसिक प्रोवाइड कराने का, इसका बेसिक्स कैसे प्रोवाइड कराए जाए। एक्यूट एंगल ट्रायंगल, अरे 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 78 पे पहुंच गया प्रतीक, प्रतीक वापिस आ जा भाई, प्रतीक वापिस आ जा, सर टीएसडी, सर टीएसडी 39 माइनस कुछ होगा, कुछ होगा नहीं, मुझे एग्जैक्ट आंसर नहीं दिखाई दे रहा है, हर्ष बहुत करीब पहुंच गया था कुछ आंसर के, हर्ष बहुत करीब पहुंच गया था आंसर के, 22 नहीं 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 नहीं, अनिरुद्ध का कोई रिप्लाई नहीं आया अब तक, उज्जवल, उज्जवल क्वेश्चन कर रहा है ये, चला गया क्लास में देखने आया था सिर्फ मुझे, टाइम स्पीड डिस्टेंस भी कराता हूँ, हर्ष यार तू तो बड़ा चला गया, मैंने बोला तू बड़ा नजदीक आ गया तो तूने उसको बढ़ा दिया कम भी तो कर सकता था ना, अंकित मेहरा जी गलत है आपका आंसर आज, विजय कुमार 4 नहीं यार, 4 नहीं, 4 नहीं, चलो देखो बड़ा प्यारा क्वेश्चन है आज की क्लास का, शायद ये अच्छा क्वेश्चन लगेगा तुम्हें, सर आपने बोला कम कर दो, चलो देखो जरा ठीक है, समझने की कोशिश करते हैं, सबसे पहली बात एक्यूट एंगल ट्रायंगल है, एक्यूट एंगल ट्रायंगल कैसा होता है भाई, अरे एक्यूट एंगल ट्रायंगल कैसा होता है, जिसके सारे के सारे एंगल क्या हो 60 या 60 से छोटे या 90 से छोटे 100 से छोटे क्या होते हैं, मुझे तो कुछ नहीं पता, जिसके तीनों के तीनों जो एंगल हो हमारे वो 90 से छोटे हो, उस ट्रायंगल को हम एक्यूट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं, अब बताओ ये बात किसको नहीं पता भाई, सबको तो पता है बचपन से बात, इस बात पे तो सबको पता है ना, एक्यूट एंगल ट्रायंगल वो होता है जिसके तीनों एंगल मेरे 90 से छोटे हो, तो हम ये मान लेते हैं, अच्छा एक एंगल हमें कितना दिया हुआ है 40 दिया हुआ है, ये बात ध्यान रखना, वन ऑफ द एंगल ऑफ ट्रायंगल इज 40, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एंड बी स्क्वायर, अरे 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 इतने खतरनाक चीज है, इसको 40 मान लेते हैं, इसको ए मान लेते हैं और इसको स्मॉल सी मान लेते हैं, अच्छा मुझे बताओ ए प्लस सी का सम कितना होगा, 140 होगा ना, ए प्लस सी का सम कितना होगा, 140 होगा ना, ठीक है यहां तक बात समझ में आती है या नहीं, जल्दी बताओ, ठीक है अब मुझे देखो ये तो फिक्स है, ये बेचारा अपनी पोजीशन नहीं बदलेगा, इसको तो क्वेश्चन में फिक्स किया गया, बोला गया है एक एंगल ट्रायंगल का 40 डिग्री फिक्स है, बाकी दोनों के साथ मैं गेम खेल सकता हूं, बट मैं गेम इस तरह से खेलूंगा ये हमेशा एक्यूट रहे, ये हमेशा क्या रहे, एक्यूट रहे, ये हमेशा एक्यूट रहे, तो आप मुझे बताओ ए का मैक्सिमम वैल्यू कितना हो सकता है, ए का मैक्सिमम वैल्यू कितना हो सकता है, बताओ मुझे कितना हो सकता है, ए का मैक्सिमम वैल्यू कितना हो सकता है, 89, 90 भी नहीं हो सकता, कितना हो सकता है 89, तो भैया इसको हमने रख दिया 89, अगर ये 89 होगा तो सी को कितना होना पड़ेगा, जल्दी बताओ 51, ये एक वैलिड पेयर होगा, ये एक वैलिड पेयर होगा एंगल्स का या नहीं, जल्दी से बताओ ये एक वैलिड पेयर होगा एंगल्स का या नहीं, ठीक है हो सकता है ना ये 88 हो, अगर ये इधर प्लस 1 होगा माइनस 1 होगा तो इधर कितना होना पड़ेगा इसको प्लस 1, क्योंकि दोनों का सम मुझे हमेशा कितना रखना है 140, दोनों का सम हमेशा मुझे मेंटेन करके रखना है 140, शेयर पॉइंट क्लियर है, शेयर पॉइंट क्लियर है, जल्दी से बताओ, ठीक है
ऐसे ही अगर ये इधर बढ़ेगा, इधर ये कम होगा, सॉरी ये कितना हो जाएगा 87, ये कितना हो जाएगा 53, ये कम होते 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 140 को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करो, कभी ना तो कभी आएगा ना दोनों बराबर हो जाएंगे, कभी ना कभी ऐसी सिचुएशन तो आएगी ना कि दोनों के दोनों बराबर हो जाएंगे। वो सिचुएशन कौन सी होगी? ये भी 70 और ये भी 70, क्योंकि उस केस में भी इन दोनों का सम कितना है 140। ये पॉइंट समझ भी पा रहे हो या तुम लोगों के ऊपर से जा रहे हैं? ऊपर से तो नहीं जा रहे ना। अब मुझे बताओ इससे पहले वाला टर्म यहाँ पे क्या रहा होगा, क्योंकि ये तो हमें से डिक्रीज हो रहा है, तो इससे पहले वाला टर्म क्या रहा होगा 71। अगर ये 71 रहा होगा तो ये कितना रहा होगा 69। गाइज ये पॉइंट समझ में आ रहा है आप लोगों को? ये पॉइंट समझ में आ रहे हैं? सेम एज इससे पहले वाला पॉइंट यहाँ पे क्या रहा होगा, 71 से पहले कितना रहा होगा 72 और ये कितना रहा होगा 68। हमेशा इन दोनों का सम 140 रहा होगा। आप कहोगे सर आप 89 से 70 पे क्यों रुक गए, आगे क्यों नहीं बढ़ रहे हो? मैं कहूंगा मैं आगे बढ़ूंगा, जैसे मैंने इसको बढ़ाया तो 71 हो गया और ये कितना हो गया 69। अरे ये तो वही वाला कॉम्बिनेशन है जिस कॉम्बिनेशन की मैं बात पहले कर चुका हूं। जैसे ही मैं और आगे बढ़ूंगा तो आ जाएगा 72 और ये कितना आ जाएगा यहाँ पे 68। तो ये वाला कॉम्बिनेशन तो मैं ऑलरेडी ले चुका हूँ, तो ये मैं क्यों लूंगा? ये भी नहीं ले सकता मैं ये भी नहीं ले सकता। तो इसके बाद जितने भी कॉम्बिनेशन आएंगे वो मेरे काम के नहीं है, इसके बाद जितने भी कॉम्बिनेशन आएंगे वो मेरे काम के नहीं है। पॉइंट समझ में आ रहा है? पॉइंट समझ में आ रहा है राघव? पॉइंट समझ में आ रहा है? ठीक है, क्लियर है ना ये? ठीक है, तो भैया सिंपल सा लॉजिक है, सिंपल सा लॉजिक है। अब ऐड भी करने मत बैठ जाना इनको, इंसानों की तरह सोचा करो। मैं हमेशा कहता हूं पहला जो ये कॉम्बिनेशन मैंने लिया था इसमें सी का वैल्यू कितना लिया था मैंने 51, यानी कि मैंने सी का वैल्यू 51 से लेना शुरू किया। 51 लिया, 52 लिया, 53 लिया, मैंने वैल्यू कब तक लिया 70 तक। इसके बाद जैसे ही मैंने इसको 69 करा तो ये वाला पेयर मैं ऑलरेडी काउंट कर चुका था पहले, कॉम्बिनेशन ये वाला 71-69 वाला कॉम्बिनेशन मैं ऑलरेडी काउंट कर चुका था। ये ए और सी तो मैंने अपने अकॉर्डिंग नाम दिए है ना, आप लोग ये नहीं कह सकते कि सर यहाँ पे ए 71 है, सी 69 है। ए और सी तो मेरे अकॉर्डिंग है, उसको तो कॉम्बिनेशन से मतलब है कि 71-69 का एक कॉम्बिनेशन पहले काउंट कर लिया, आप दोबारा मत करना, वो ये कहना चाहता है। तो 71-69 वाला कॉम्बिनेशन मैंने पहले काउंट कर लिया, मैं अब नहीं करूंगा। यानी कि सिर्फ गाड़ी 51 से चलना शुरू हुई थी सी की, और गाड़ी कहां तक चल पाई 70 तक। इट मींस फ्रॉम 51 टू 70 देयर आर 20 नंबर्स, तो देयर आर 20 पॉसिबल केसेस मेरे बनेंगे। पॉसिबल कॉम्बिनेशंस कितने हैं मेरे यहां पे? 20 है। अब कैच हुआ सर? ठीक है सर, वैल्यू ए की थी ऊपर और नीचे सी की होगी, ऊपर और नीचे सी की होगी। भाई क्या कह रहा है, भाई क्या कह रहा है? अच्छा इस ट्रायंगल की बातें कर रहे हो क्या तुम? कुछ भी लिख लो, वो तो मैंने बोला था कोई भी ट्रायंगल है, ट्रायंगल के तीनों एंगल इंटीजर्स, ठीक है, वो तो मैंने ऐसे ही बोला था। ठीक है, ये पॉइंट समझ में आता है? किसको भागने की जल्दी हो रही है? मनीष कहाँ जाना है तुम्हें? एक क्वेश्चन और है इसी से रिलेटेड करो। अगर पहला पार्ट तो मुझसे यहाँ पे पूछा था एक्यूट है, बीए मैं आपको बताऊं, ये अगर मैं आप लोगों को बताऊं, ये कहीं किसी मॉक वॉक टेस्ट का क्वेश्चन है, किसी मॉक टेस्ट का, एमकेट का क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर का मॉक टेस्ट का। ठीक है, पहला यहां से तो मुझसे पूछा गया है ट्राइंगल्स आर पॉसिबल इफ द ट्राइंगल इज एक्यूट। अगर आपसे पूछ ले इफ द ट्राइंगल इज स्केलन तब क्या करोगे, कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे, कितने नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन कितने होंगे? अगर आप लोगों से स्केलन पूछ ले, अरे यार ये पता क्या है साहू, मैं तुम्हारा रिप्लाई ऐसा नहीं है, मैंने पढ़ा नहीं, मैंने पढ़ लिया है ठीक है, बट ये ऑर्डर्ड पेयर अनऑर्डर्ड पेयर मैं अपने मुंह से इसलिए नहीं बोलना चाह रहा ताकि बाकी बच्चों को अजीब ना लगे, ठीक है, ताकि बाकी बच्चों को अजीब ना लगे इसलिए मैं बोलना नहीं चाह रहा ये टर्म। ठीक है, आप ही बताओ जो मैंने समझाया वो समझ में आया नहीं, क्योंकि ऑर्डर्ड पेयर अनऑर्डर्ड पेयर मैंने अभी नहीं पढ़ाया स्पेशल इक्वेशंस में। ठीक है, तो जरा जो इसका दूसरा पार्ट है वो मैंने आप लोगों से पूछा है, इफ द ट्राइंगल इज स्केलन, स्केलन ट्राइंगल के बारे में आप लोगों को शायद बचपन से लेके अब तक यही बातें पता है कि स्केलन ट्राइंगल एक ऐसा ट्राइंगल होता है जिसकी तीनों साइड्स अलग अलग हों। अगर उसकी तीनों साइड्स अलग अलग हैं तो तीनों एंगल्स भी क्या हो गए, अलग अलग। बस हमें ये ध्यान रखना है तीनों एंगल्स मेरे अलग अलग होने चाहिए, जिसमें से एक एंगल मेरा ऑलरेडी 40 है, तो ध्यान रखना मेरे तीनों एंगल्स अलग 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 होने चाहिए। आप लोग इस बात पे फोकस करना, बाकी सब भूल जाना। ठीक है,
किसी का आंसर सही नहीं है अब तक, किसी का आंसर सही नहीं है। अरे बेवकूफ हो गया यार, रितिश क्या लिख रहे हो भाई, राघव गलत लिख रहे हो भाई, वेदांत गलत लिख रहे हो, सिंपल सा लॉजिक लगाने की क्यों नहीं कोशिश कर रहे हो आप लोग। मैंने आपसे कॉम्बिनेशन पूछा है, पीएनसी क्या होता है मुझे नहीं पता, पीएनसी क्या होता है मुझे नहीं पता, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन क्या होता है मैं तो बोलूंगा नहीं बातें। मैं कॉन्सेप्ट यूज करा रहा हूँ यहाँ पे ज्योमेट्री का, पीएनसी और स्पेशल इक्वेशन की बातें कर रहे हो, ठीक है। सिंपल सा लॉजिक है यार, स्केलेन ट्रायंगल एक ऐसा ट्रायंगल होगा जिसके तीनों एंगल अलग अलग होंगे, ये सोचो ना आप लोग। जो लोग जो बात सोचने वाली है वो सोच नहीं रहे हो। मोनिका नहीं, आपका आंसर गलत है, ठीक है। देखो जरा समझने की कोशिश करना, ये कोई ट्रायंगल है, ट्रायंगल एबीसी है। अब इसमें एक एंगल ऑलरेडी फिक्स है, एक एंगल कितने डिग्री का दिया है उसने, 40 डिग्री का। इसको मैं स्मॉल बी मान लेता हूँ, इसको मैं स्मॉल सी मान लेता हूँ। अपने को इतना क्लियर है यार, बी प्लस सी का वैल्यू 140 होगा, बस ये पता है हमें। ये क्यों होगा, क्योंकि एक एंगल तो 40 ऑलरेडी फिक्स दे रखा है उसने, कर रखा है ऑलरेडी, फिक्स किया हुआ, ठीक है। स्केलेन ट्रायंगल ऐसा होता है, यानी कि इन दोनों की वैल्यू, इन तीनों की वैल्यू, ए इज नॉट इज इक्वल टू बी, बी इज नॉट इक्वल टू सी होना चाहिए, तीनों हमेशा अलग अलग होने चाहिए, तभी ट्रायंगल स्केलेन बनेगा। अगर दो भी बराबर हो गए, अगर दो भी बराबर हो गए तो तब भी कैसे ट्रायंगल बनेगा, वो आइसोसेलेस, ठीक है। पॉइंट क्लियर है, तो तीनों का वैल्यू अलग अलग रखना है, ठीक है। मिनिमम वैल्यू बताओ, मैंने बताया था ये तो क्वेश्चन में गिवन ही है ना, तीनों इंटीजर्स हैं, तीनों इंटीजर्स हैं, ये भी क्वेश्चन में गिवन है। तो मैंने बी को वन रख लिया, मैंने बी को वन रख लिया तो सी कितना हो जाएगा, मैंने बी को वन रखा तो सी कितना होगा, जल्दी से बताना जरा। मैंने बी को रखा वन तो सी कितना हो जाएगा, 139। पहला पेयर है, वैलिड है ना, वैलिड है ना, बी का वैल्यू 1 है, सी का वैल्यू 139 है और ए का वैल्यू 40 है, तीनों वैल्यू अलग अलग है, ये वैलिड पेयर है, ये वैलिड पेयर है हमारा, ठीक है। ऐसे ही अगर ये इंक्रीज होगा तो 2 हो जाएगा, ये कितना होगा 138, ये कितना हो जाएगा 3, ये कितना हो जाएगा 137। पॉइंट समझ में आ रहा है, ये वैल्यूज बढ़ती रहेंगी, बढ़ती रहेंगी वैल्यू, कभी ना कभी तो ये वैल्यू ऐसी आएगी ना। अब जरा मुझे बताओ, कभी ना कभी तो ये मैं इसको 40 लिखूंगा, कभी ना कभी तो मैं बढ़ा बढ़ा के इसको 40 लिखूंगा, तो कितना हो जाएगा 100। क्या ये मेरे लिए वैलिड केस है, क्या मेरे लिए वैलिड केस है, जल्दी बताओ, क्या मेरे लिए वैलिड केस है? नहीं, क्योंकि अगर बी भी 40 हो गया, ए ऑलरेडी 40 दिया हुआ है, तो दो एंगल बराबर हो जाएंगे, दो एंगल बराबर हो जाएंगे तो स्केलेन नहीं रहेगा, आइसोसेलेस एंगल हो जाएगा, ये इनवैलिड पेयर है, ये इनवैलिड पेयर है, तो इसको छोड़ देना। बाद में आई कहानी 41, ये कितना होगा फिर, ये 41 99, ऐसे बढ़ते बढ़ते लिखता चला जाऊंगा, बढ़ते बढ़ते लिखता चला जाऊंगा इसको, कभी ना कभी तो ऐसी सिचुएशन आएगी ना 70 70 वाली, जैसी पिछले क्वेश्चन में आई थी। सिंपल सा लॉजिक है, दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया करो और शुरू कर दिया करो इसको लिखना, 70 70 वाली सिचुएशन आएगी। क्या ये वैलिड, ये वैलिड पेयर है, इनवैलिड पेयर है, दो एंगल बराबर हो जाएंगे तो हमें चाहिए नहीं। इससे पहले वाला पेयर कौन सा आएगा, 69 प्लस 71, 69 बी का वैल्यू, सी का वैल्यू 71, ए का वैल्यू 40, तीनों अलग अलग है, वैलिड पेयर है, ये चलेगा अपने को, ये नहीं चाहिए अपने को, ये भी नहीं चाहिए अपने को, इससे पहले वाला पेयर भी चलेगा भाई, कोई दिक्कत नहीं है, इससे पहले वाला पेयर भी चलेगा। बट जैसे ही मैं 70 70 के बाद पेयर लिखूंगा, इसको वन से बढ़ाऊंगा और इसको वन से कम करूंगा, इसको वन से बढ़ाऊंगा, नहीं भाई, ये दूसरा केस था मेरा, इफ द ट्रायंगल इज एक्यूट, ये पहला केस है क्वेश्चन का, इफ द ट्रायंगल इज स्केलेन, ये दूसरा केस है, ठीक है। बस हाँ वही बोला है मैंने एक्यूट स्केलेन बोला है, ठीक है, कहां चला गया मेरा। जैसे ही मैं इसके बाद लिखूंगा 70 को बढ़ाऊंगा 71 69, ये वाला कॉम्बिनेशन मैं ऑलरेडी काउंट कर चुका हूं, ये रहा सेम कॉम्बिनेशन है, तो ये काउंट करने की जरूरत नहीं है। ऐसे इसके बाद बढ़ेगा 72 68, वो कॉम्बिनेशन भी ऐड करने की जरूरत नहीं है, तो ये रिपीटेशन शुरू हो गया। इक्वल होने के बाद जब इक्वल ही हो जाते हैं तो वो रिपीटेशन शुरू हो जाता है, रिपीटेशन शुरू हो जाता है। अब रिपीटेशन पता है कब तक चलेगा, ये वैल्यू बढ़ता चला जाएगा, ये जाएगा 139 तक और ये जाएगा 1 तक, तो ये 139 1 वाला कॉम्बिनेशन मैं पहले ही ले चुका हूं। तो सिंपल सा लॉजिक ये लगाना था, काउंटिंग भी बहुत आसानी से करता हूं मैं, काउंट करने में भी इतनी आफत नहीं होती। 1 से जाना है और 69 तक जाना है, 1 से लेके चली गाड़ी 69 तक, 70 70 वाली गाड़ी भी नहीं चाहिए थी, उससे आगे वाले कोई भी सारे इनवैलिड कॉम्बिनेशन आ रहे थे, 1 से लेके 69, टोटल 69 कॉम्बिनेशंस, बट बीच में एक कॉम्बिनेशन आया था, मैंने उसको भी स्किप किया था। 1 से लेके 69 तक एक माइनस करो, 68 कॉम्बिनेशंस इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन। मनीषा अभी 67 कह रही है, 68 कॉम्बिनेशंस इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन, 68 कॉम्बिनेशंस इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन। किस किस को आफत है इस क्वेश्चन में, जल्दी से बताओ, किस किस को डाउट है, डाउट बोलो जल्दी से। अपने क्वेश्चन हो गए मेरे ओवर, मेरे क्वेश्चन ओवर हो गए, कल हम मिलेंगे, कल सेम टाइम सेम चैनल, रात को 10 बजे।
कल सेम टाइम सेम चैनल रात को 10 बजे मिलने वाले हम लोग, ठीक है? तो सब लोग आना, थोड़ी प्रैक्टिस कर लो यार, थोड़े बेसिक्स कवर कर लो अपने, कुछ बेसिक्स कवर कराने की मैं कोशिश करता हूँ अपने एंड से, जितना मेरे से बन पा रहा है मैं करूंगा, चिंता मत करो, ठीक है? क्वेश्चंस पे ज्यादा फोकस करना है मेरे को ना, ज्योमेट्री के क्वेश्चंस पे ज्यादा मेरा फोकस है, तो आप लोग बेसिक्स पढ़ लो कहीं से भी। कल क्या पढ़ने वाले हो? इस ट्राइंगल सर्कल, ये ज्योमेट्री क्वेश्चंस चलेंगे, ट्राइंगल के क्वेश्चंस अभी प्रायोरिटी पे रखे हुए हैं, ठीक है? क्वेश्चंस पे ज्यादा फोकस है मेरा, ठीक है? ये चलेंगे, कम से कम हो भी सकता है 8-10 सेशन चलते रहे ज्योमेट्री के, हो सकता है 7 चल जाए, हो सकता है 15 सेशन चल जाए, हो सकता है 20 सेशन चल जाए, सब कुछ आप लोग पे डिपेंड करता है, आप लोग कितना इंटरेस्ट ले रहे हो, ठीक है? सर आपका इस मंथ का शेड्यूल क्या है? दीपक अरोड़ा, दीपक कौन सा स्पेशल क्लासेस या प्लस क्लासेस? कल कोर्स आ रहा है सर प्लस में, नहीं राघव अभी नहीं आ रहा, थोड़ा टेक्निकल इशू हो गया भाई, आ जाएगा जल्दी आ जाएगा, थोड़ा अभी टाइम लग रहा है उसमें, फुल इंटरेस्ट है सर, ठीक है? आ जाएगा, थोड़ा वेट कर लो अभी, बाकी पढ़ने को तो बहुत है, बहुत कुछ पढ़ सकते हैं, मुझे कह देना, किसी को अगर मन नहीं कर रहा पढ़ने का मैं बता दूंगा क्या पढ़ना है। चलो ठीक है फिर। अरे निखिल का डाउट था यार, निखिल का ना कोई डाउट था किसी बच्चे का, मैंने उसको शुरू में बोला था, हाँ उसके स्पेशल वाले का, स्पेशल क्लासेस का। इस मंथ हम लोग टाइम एंड वर्क, अर्थमेटिक में मेरा एक टॉपिक बचा है टाइम स्पीड डिस्टेंस, टाइम स्पीड डिस्टेंस में कराने वाला हूँ, उसके बाद में नंबर्स के कॉन्सेप्ट कराने शुरू करूंगा, नंबर्स की सारी कॉन्सेप्ट की क्लासेस कराऊंगा मैं इस मंथ, टाइम स्पीड डिस्टेंस और नंबर्स करा दूंगा मैं इस मंथ, जहां तक मुझे लग रहा है। सर अरुण शर्मा कैट एंड जेट के लिए काफी है, क्वांट के लिए पता नहीं भाई, मैं पेपर नहीं सेट करता, बट हाँ काफी है, सब लोग करते हैं, किसी भी एक स्टैंडर्ड बुक को कर लो, लेकिन बार बार उसको करते रहना, रिपीटेशन बहुत जरूरी है। सर ये सीक्वेंस एंड सीरीज में करवाया था ना क्वेश्चन, कुछ इस क्वेश्चन मैंने करवाया होगा शायद सीक्वेंस एंड सीरीज में, मुझे याद आ रहा होगा, शायद करा होगा, मुझे याद नहीं है अनिरुद्ध, पूरे दिन क्वेश्चन मैं खुद भूल जाता हूँ, ठीक है? मैं इन्हीं चीजों में घिरा रहता हूँ। कराया होगा, कराया था शायद, मुझे ऐसा लग रहा है मैंने कराया हो, या तुम्हें कहीं और पे कराया हो, तू तो मेरे घर के पड़ोस में रहता है ना, तो तू कभी भी आके पढ़ लेता है। निखिल दो क्वेश्चन था सर आज का डाउट, हाँ सेकंड क्वेश्चन डाउट था, ठीक है सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, निखिल का डाउट है, ठीक है सेकंड क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। आई थिंक ये तो नहीं था इसका डाउट, ये था क्या भाई तेरा डाउट? ये वाला क्वेश्चन तेरा डाउट था क्या? हाँ ठीक है, इसको देख मैं बताता हूँ अभी, ठीक है? जो लोग लेट आए थे वो भी समझने की कोशिश कर लेना एक बार, ठीक है? देखो निखिल क्वेश्चन पढ़ लेना, वैसे एक बार तुम क्या कहा जा रहा है, क्वेश्चन पढ़ लेना तुम एक बार क्या कहा जा रहा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन बिना पढ़े तो समझ में नहीं आएगा कभी भी। कह रहा है इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल एबीसी द एक्सटर्नल एंगल एट सी मेजर्स 110 डिग्री, जो एक्सटर्नल एंगल है सी पर वो 110 डिग्री का है, तो पड़ोसी कितना हो जाएगा 70 का, क्योंकि दोनों का समय 180 होता है, ठीक है? फाइंड द लार्जेस्ट एंगल ऑफ द ट्रायंगल, ठीक है? पहला पार्ट ये था क्वेश्चन का, और दूसरा पार्ट ये था क्वेश्चन का, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एंगल बीएसी एंड एंगल एसीबी। दो पार्ट थे निखिल इस क्वेश्चन के, लार्जेस्ट एंगल निकालना है मुझे इस ट्रायंगल का। निखिल समझने की कोशिश करना जरा इस बात को, निखिल इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आ जाता है जब उसने बोला है आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल बोला है तो ये भी तो बोलना चाहिए था ना कौन सी दो साइड्स बराबर है, क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल में दो साइड्स बराबर होती हैं। अगर वो मुझे ये भी बोलता कौन सी दो साइड बराबर है तो शायद मेरे लिए और आसानी हो जाती, तो उसने मुझे नहीं बोला कौन सी साइड्स बराबर है यहाँ पे, तो ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। मैंने मान लिया पहला केस, इफ ए बी इज इक्वल टू ए सी, मैंने पहला केस लिया, अगर ए बी ए सी के बराबर है, अगर ए बी ए सी के बराबर है तो दो साइड्स बराबर होती हैं यदि किसी ट्राइंगल की, तो उनके सामने वाले दोनों एंगल भी बराबर होते हैं, पता है ना? इस साइड के सामने वाला एंगल 70 है, तो इस साइड के सामने वाला एंगल भी कितना होगा 70। ये बात क्लियर है, यानी कि यहां से बी का वैल्यू कितना आ जाएगा 70। अगर बी 70 है, यहाँ पे सी 70 तो फिक्स है हमेशा, तो ए का वैल्यू कितना आ जाएगा 40। पॉइंट क्लियर है, 70 ये 40, तो लार्जेस्ट एंगल अब तक 70 आ रहा है, ठीक है? अब तक लार्जेस्ट एंगल 70 आ रहा है, ठीक है? ये वाला पार्ट अब तक 70 आ रहा है। सेकंड केस ये भी जरूरी नहीं है ना, अब जरूरी नहीं है कि ए बी ही ए सी के बराबर रहा हो, तो ये केस लिया था एक, इसलिए सेकंड केस भी ले रहा हूं। इफ ए सी इज इक्वल टू बी सी, इफ ए सी इज इक्वल टू बी सी अगर होता, अगर ये दोनों साइड बराबर होती तो इसके सामने वाला ये एंगल, इसके सामने वाला ये एंगल, ये दोनों एंगल बराबर होते, और अगर निखिल ये दोनों एंगल बराबर होते इन दोनों का सम कितना होगा 110, तो ये भी 55 होता और ये भी 55 होता। पॉइंट है ना निखिल इस बात में, ठीक है? तो अब मेरा जो लार्जेस्ट एंगल आ रहा है वो अभी कितना आ रहा है 70 आ रहा है, यानी कि इस वाले केस से भी लार्जेस्ट एंगल 70 ही नजर आ रहा है, कोई चेंजेस नहीं आए। इस वाले केस से भी कितना था 70 था, इस वाले केस से भी कितना है 70 है। क्लियर है पॉइंट? तीसरा केस है यहाँ पे ए बी बी सी के बराबर हो, अगर ए बी बी सी के बराबर है,
अगर ए बी बी सी के बराबर है तो ए बी के सामने वाला एंगल 70, तो बी सी के सामने वाला एंगल, बी सी के सामने वाला एंगल भी कितना होगा, 70 होगा। तो निखिल जो हमारी थर्ड कंडीशन है, जो हमारी थर्ड कंडीशन है उससे हमारा ये वाला एंगल आ रहा है 70, ये वाला एंगल कितना आ जाएगा फिर 40। इससे भी हमारा लार्जेस्ट एंगल कितना आ रहा है, 70 आ रहा है। तो आप लोग इनको काम को ओरली कर लेना एग्जाम में, तो फाइनली फिर अपना आंसर मार्क कर देना, 70 डिग्री इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन, 70 डिग्री इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन, ठीक है निखिल। अब लेकिन जो सेकंड वाला केस था उसके लिए ये सारे केसेस निकालना अति आवश्यक था। ये जो सेकंड वाला केस था ना, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एंगल बीएसी प्लस एसीबी, इसके लिए तो ये केस नेसेसरी है काउंट करना, ऐसी चीजें आप सोचो। तो यहाँ पे मुझे क्या दिया हुआ है, मैक्सिमम वैल्यू बताना है एंगल बीएसी, एंगल बीएसी कितना है, ये वाला एंगल का वैल्यू और एंगल एसीबी, एसीबी ये रहा, ठीक है, इन दोनों का मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा। देखिए ये तो फिक्स है, ये तो हमेशा 70 रहेगा। तो बीएसी का मैक्सिमम वैल्यू कब आया था, जब मैंने तीन केस लिए थे, एक केस में शायद ये 40 आया था, एक केस में 55 आया था, मैक्सिमम कितना आया था 70, तो इसका मैक्सिमम वैल्यू 70 है, तो इन दोनों का सम भी मैक्सिमम कितना हो जाएगा, 140। आंसर इस क्वेश्चन का, ठीक है निखिल, समझ में आया पॉइंट, निखिल ये पॉइंट समझ में आया, अब तो समझ में आ गया होगा ना। चलो ठीक है, फिर कल मिलते हैं हम लोग, सेम टाइम सेम चैनल। ज्योमेट्री का बहुत क्लास देखा आपका, जैसा कोई नहीं एक्सप्लेन किया सर, थैंक यू विजय, वेलकम यार, और क्या बोल सकता हूँ मैं, ठीक है। मैं ज्योमेट्री का बेसिक्स भी कवर कराने की कोशिश करता हूँ, डोंट वरी यार, डोंट वरी, टेंशन लेने की बात नहीं है, बस खुश होके बढ़ते रहो। चलो ठीक है, गुड नाइट, टेक केयर। अनिरुद्ध तेरे वाले क्वेश्चंस ना कल मैं सीरीज ले रहा हूँ, पूरे पूरे क्वेश्चंस की पैरामीटर देके नंबर ऑफ ट्रायंगल्स बताना, स्केलेन ट्रायंगल्स बताना, ठीक है, डोंट वरी, मैंने ले लिए हैं वो अपने रडार पे, उनको पूरा केस ही खत्म करूंगा मैं, ठीक है। चलो ठीक है, गुड नाइट, बाय बाय। सर मेगा क्विज वाले भी, अरे हर्ष ये पता नहीं कब तक चलेगा कारवा क्वेश्चंस का, ये अनलॉक ज्योमेट्री मुझे नहीं पता कब तक अनलॉक करेंगे हम इसको, ठीक है, ये चलता रहेगा, बट आप लोगों का होना जरूरी है यहाँ पे, ठीक है। चलो टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट। अरे कल आप लोगों का क्वेश्चन सेशन भी है ना, एक 5:30 बजे, जरा बताना अगर अभी क्लास में हो आप लोग, कल आप लोगों का एक क्वेश्चन सेशन भी है ना, टाइम एंड वर्क, टाइम स्पेंड, टाइप एंड सिस्टम का कुछ, अभी शायद सब चले गए, हाँ टाइम एंड वर्क का ना, मैं प्रैक्टिस क्वेश्चंस कराता हूँ, प्रैक्टिस क्वेश्चन कराता हूँ, शेड्यूल बना देता हूँ, मैं बना देता हूँ अभी शेड्यूल ना, अभी बना देता हूँ शेड्यूल। चलो ठीक है, बाय।